ओके, वेलकम बैक टू द क्लास। आज जो है वो हम सेक्शनल व्यू या सेक्शनिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन, उसमें कवर हो जाएगा आपका दोबारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, उसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज किस तरह बनाते हैं और फिर आप सेक्शनिंग किस तरह करते हैं। तो मोस्टली आपका आज का जो सेशन है दैट विल बी हैंड ऑन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट सेशन। सो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। ओके, यस सर। ओके, सो आप लोगों ने लेक्चर देखा है? पहले तो जो आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मैं स्लाइड शेयर करता हूं और जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो आपको अगर समझ नहीं आती तो बता दे मुझे, ठीक है ना। ओके सर। ओके, तो सेक्शनल व्यूज का पता है कि सेक्शनल व्यू या सेक्शनल व्यू होते क्या हैं और इसका पर्पस क्या है? यस सर। ठीक है, तो जहां जहां मैं आगे जाता हूँ जहां समझ नहीं आती वहां पे मुझे आप स्टॉप करके पूछ सकते हैं। फिर जब आपके ये लेक्चर के बारे में क्वेरीज खत्म हो जाएंगी देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। ओके सर। तो दिस वाज दिस स्लाइड इज अबाउट व्हाट इज सेक्शनल व्यू एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन व्यू, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये आपको एक पुली दिखाई गई है और दिखाया गया है कि उसकी अगर आप टॉप व्यू को देखें और ये फ्रंट व्यू, तो ये बेसिकली आपके पास अगर मैं ये देखें तो ये आपके पास टॉप व्यू है, ठीक है ना, और ये उसका फ्रंटल व्यू है, ठीक है ना। तो ये दिखाया हुआ है और दिखाया हुआ है कि अगर आप फ्रंटल व्यू में देखें सो देयर आर टू मेनी हिडन लाइंस व्हिच आर बेसिकली दीज फीचर्स बट यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन फ्रंटल व्यू एंड दिस टू मेनी हिडन लाइंस क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू। That's why we are going to take a separate sectional view. Clear? Yes, sir. Okay. Then यहाँ पे दिखाया गया है कि ये टॉप व्यू था, ठीक है ना। टॉप व्यू पे आपने क्या किया, ये कटिंग प्लेन, ये कटिंग प्लेन लाइन है ये जो दिखाई गई है, ठीक है ना। और ये वो डायरेक्शनल एरोज हैं और ये अल्फाबेट्स हैं विच आर शोइंग द सेक्शन ए ए डैश एंड द सेक्शनिंग इसकी दिखाई हुई है कि इसकी ये जो आपको ये जो लाइनें ये कटिंग प्लेन लाइन शो की हुई है दिखाया हुआ है कि इसको आपने यहाँ से काटा है, ठीक है ना। काटने के बाद फिर आप उसको इसी तरफ से देख रहे हैं तो जाहिर है आपको ये चीज नजर आएगी, ठीक है ना। इस पर अभी हम बात करेंगे कि ये किस तरह ये आता है, लेकिन ये जस्ट आपको बता रहा है कि ये सेक्शन यहाँ पे इसकी सेक्शनिंग हुई है और इसकी डिटेल कहाँ है, इसकी डिटेल यहाँ पे सेक्शन ए ए के नाम से है बिकॉज वी आर डिफाइनिंग इट बाय यूजिंग ए ए, ठीक है ना। फिर हमारे पास सेक्शन किस तरह करते हैं तो वो आपको ऑलरेडी जी सर ये इस वाले स्लाइड में सर ये ऊपर टॉप व्यू ये होल थे सर, ये नीचे फ्रंट व्यू में सर ये होल आप एक्सटेंड करें सर किस तरह ये बनाए गए सर? अच्छा, ये मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। मैं आपको अभी मैंने आपको बताया भी है कि हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे और आई थिंक जो मैंने जो लेक्चर था उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन लेट से आप कह रहे हैं एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करके बताएं तो ये देखें ये वाला एज जो है ये एग्जैक्टली यही एज है, ठीक है। और इसी तरह ये वाला एज यही एज है, ठीक है। देन ये वाला जो है ये वाला एज है और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये वाला एज है। फिर ये जो दरमियान में ये वाला सर्कल है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट दिस वन, ठीक है। फिर ये दरमियान ये जो है ये वाला ये इसको अगर आप एक्सटेंड करें तो ये पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पोर्शन को ये वाला, ठीक है ना। एंड सो ऑन। और फिर ये जो ये वाले होल है ये वाला होल ये वाला होल है, ठीक है। अभी आपको मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्शनल व्यू होता क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, देन दिस स्लाइड इज अबाउट हाउ सेक्शंस आर शोन, सेक्शन किस तरह शोन करते हैं। तो वो उसके लिए आपको ये ऑलरेडी इधर दिखाया है कि सेक्शन करने के लिए आपके पास
ये कटिंग प्लेन लाइन होनी चाहिए, ये जो ये वाली लाइन है, ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो आपके पास एरो होने चाहिए विच शोज डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन से उसको देख रहे हैं, और आपके पास ये अल्फाबेट्स होने चाहिए टू शो। और फिर जब आप उसको सेक्शनल व्यू ड्रॉ करते हो तो उसके नीचे आप लिखते हो सेक्शन जो आपने इधर वर्डिंग दी हुई है या अल्फाबेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो तो इसमें देखें कि द प्लेस वेयर सेक्शन इज टेकन दैट मस्ट बी आइडेंटिफाई, द सेकेंड वन इज अ क्लेन कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन डायरेक्शनल एरो एंड आइडेंटिफिकेशनल लेटर, ठीक है ना। और अ सेक्शन व्यू मस्ट शो विच पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट्स आर ऑफ ऑब्जेक्ट इज सॉलिड एंड विच आर एम्प्टी। सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट दीज आर द एम्प्टी पोर्शंस व्हाइल द सॉलिड पोर्शंस आर फिल्ड विद दिस सेक्शन लाइंस। क्लियर? यस सर, क्लियर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, नो। अच्छा, फिर हम आते हैं टाइप ऑफ सेक्शन। हमारे पास फुल सेक्शन है। फुल सेक्शन क्या होता है? फुल सेक्शन ये होता है कि लेट से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को हमने थ्रू आउट इट्स लेंथ काटा है, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे ये इसका सेक्शनल व्यू दिखाया जो कि ऑलरेडी उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर मैं दोबारा यहाँ पे यही कहूंगा कि आपको सर, मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी सर, हमें अंदर तो पता नहीं होता ना कि अंदर से इस एक जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे यहाँ से हमें पता नहीं है, तो हम इसका सेक्शनल व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे? अपने अंदाजे से ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए हम जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको उससे पहले समझाऊंगा, ठीक है ना। और वो 3D जो फिगर है उसको ही देखते हुए आप को अंदाजा होगा कि कहाँ पे मटेरियल है, कहाँ पे नहीं। इस पे आगे आते हैं, उस पे हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिस सेशन पे होगा ताकि आप लर्निंग कर सके कि स्कीम होती किस तरह है, ठीक है ना। आप कंटिन्यू करें। सही है। हाँ, आपकी जितनी क्वेरीज है मैं करूंगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल मैं इसलिए जा रहा हूँ कि एक नजर आपकी स्लाइड्स पे भी हो जाए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। सही। फिर ये फुल सेक्शन है जिसमें थ्रू आउट द लेंथ काटा हुआ है, ठीक है ना। अगर इसको देखें तो ये देखें, ये भी फुल सेक्शन है, लेकिन इसमें अगर आप पिछली वाली स्लाइड में देखें तो इसमें थ्रू आउट लेंथ काटा हुआ है, लेकिन बट दिस कटिंग प्लेन इज स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये फुल सेक्शन है, ये भी फुल सेक्शन है। इसमें देखें आपके पास ये कटिंग प्लेन लाइन है, या जो कटिंग प्लेन है आधे तक आता है, ठीक है ना, और फिर आधा इधर से। तो अगर इस आधे को मिलाया जाए और इस आधे को मिलाया जाए तो ये थ्रू टोटल लेंथ होती है। तो ये भी एक एग्जांपल है फुल सेक्शन की। आप इस तरह भी फुल सेक्शनिंग कर सकते हैं। सही है, सही है। इसमें ये दोनों इन लाइन है इसलिए ये स्ट्रेट है, लेकिन इसमें इन लाइन नहीं है। अगर हम मैंने दोबारा में बता रहा हूँ कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इस लेटर में, अगर आप यहाँ पे फुल लाइन लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर जब आपका सेक्शनल व्यू बनेगा तो उसमें ये चीज बनेगी और ये चीज नहीं बनेगी, और ये फुल बाय फुल इस तरह लाइन होंगी। वो अगर आपने लेक्चर देखा हो तो वो आपको उसमें क्लियर समझ आ गया। यस सर, देखा हुआ है, वो समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। देन वी विल 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 हैव हाफ सेक्शन। इन दिस वी आर टेकिंग द हाफ सेक्शन। जिस तरह अगर इस फिगर को देखें तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको आधा काटा हुआ है और फिर इस लाइन को बाहर ले आए और बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अब जब ये पीस रिमूव होगा और इसको आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ये चीज नजर आएगी, और यहां से आपको आउटर व्यू नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये भी उसमें डिटेल से डिस्कस है। अच्छा, फिर ये है कि आपने ये नहीं करना कि आपने आधे व्यू को इधर इनर सेक्शन हाफ सेक्शन तो की हुई है यहां पे ये, और आउटर में जो है वो आप हिडन लाइंस ड्रा करें। नहीं, आपने हिडन लाइंस आउटर में नहीं ड्रा करनी, क्योंकि ये चूंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए जो फीचर्स यहां पे है वो यहां पे भी होंगे। अच्छा, लेट मी चेक कि कौन कौन, कोई इशू तो नहीं जा रहा। ओके, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, फिर हमारे पास है ब्रोकन आउट सेक्शन। ब्रोकन आउट सेक्शन वो सेक्शन होता है कि जहां पे हम थ्रू आउट एक स्पेसिफिकली एक खास एरिया में उसका इनर डिटेल हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम इस तरह ब्रोकन आउट लाइन लगा देते हैं और वहां पे उसका इनर डिटेल बता देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास रोटेटेड सेक्शन है। रोटेटेड सेक्शन में क्या होता है कि रोटेटेड सेक्शन में हम इस जगह को सेक्शन करते हैं
जिस तरह यहाँ पे ये दिखाया हो, और इसको रोटेट करके उसी के जो व्यू है उसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ये भी उसमें काफी डिटेल और एग्जांपल के साथ समझाई गई है लेक्चर में, ठीक है ना। देन वी हैव रिमूव्ड सेक्शन। अच्छा, रोटेटेड सेक्शन और रिमूव्ड सेक्शन में क्या होता है? रोटेटेड सेक्शन में तो हम इसको रोटेट करके उसी जगह पे प्रेजेंट करते हैं, जबकि रिमूव्ड सेक्शन में अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे इसको कार्ड के एक्स्ट्रा अलग बनाया गया है। देखें, ये अलग रिमूव किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, आप खुद चेक कर लें, ये देखें, ये हामिद रहीम आपको नजर आ रहा है आउटसाइड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो इसको हम डिनाई करते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए किस तरह मैसेज आता है। अच्छा, देन ये इनकी समझ है आप लोगों को? क्लियर है ये? यस सर। ओके, यस, क्लियर है सर। ठीक है, ऑक्सिलरी सेक्शन। ऑक्सिलरी सेक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी सेक्शन हम तब करते हैं जब आपका कोई फीचर इंक्लाइंड हो, एट सर्टन एंगल पे हो। जिस तरह अगर आप देखें तो ये फीचर जो है वो सर्टन एंगल पे है, या ये फीचर जो है ये सर्टन एंगल पे है, तो उसकी सेक्शनिंग जो की हुई है यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी सेक्शनिंग को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सेक्शन, ठीक है ना। वो हर किस्म की सेक्शन हो सकती है, फुल भी हो सकती है, हाफ भी, रोटेटेड, वट एवर। बट वेन एवर यूर फीचर इज इंक्लाइंड एंड यू आर गोइंग टू टेक द सेक्शनल व्यू, दैट सेक्शन, दैट सेक्शनिंग विल बी नोन एज ऑक्सिलरी सेक्शन। फिर हमारे पास ये भी आपने देखा होगा कि अननेसेसरी हिडन डिटेल और विजिबल डिटेल, इसके बारे में भी आपको दिखाया गया है कि जिस तरह देखें इसमें आपके पास विजिबल एजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे। तो ये कहता है कि आपने सेक्शनिंग इस तरह नहीं करनी, दिस आर नॉट रिकमेंडेड, व्हाइल दिस इज द रिकमेंडेशन। मैं क्विकली थ्रू इसलिए कर रहा हूँ कि आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा और हम क्विकली मूव करें प्रैक्टिस सेशन की तरफ, ताकि आपको ज्यादा समझ आए। फिर ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक्शनिंग, सेक्शन लाइनिंग किसे कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी, पिछली क्लासेस में भी जब टाइप ऑफ लाइंस हम करा रहे थे, ठीक है ना, तो ये भी हमने उसमें किया था कि जब आप सेक्शनिंग करते हैं तो इनर पोर्शन जो कि सॉलिड होता है उसको हम लाइन से फिल करते हैं या सर्टन पैटर्न से फिल करते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें डिटेल बताते हैं कि ये मटेरियल अंदर से सॉलिड है। जिस तरह ये देखें, ये अब शो कर रहा है कि ये चार डिफरेंट मटेरियल्स हैं और हर एक की पैटर्न अलग है। इसके बारे में डिटेल से बताया था और ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिर कौन कौन से पार्ट सेक्शन नहीं करते, उसके बारे में यहाँ पे आपको लेक्चर में बताया गया था कि बोल्ड, नट्स, स्टड, पिंस वगैरह, ये चीजें हम सेक्शन नहीं करते, ठीक है ना। सो अगर आपको स्लाइड्स में या लेक्चर में कोई भी अभी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अगर नहीं है तो हम आपको, मैं आपको एक फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ, दो फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोगों ने खुद, मैं आपको फिगर दूंगा, आप लोगों ने वो बनानी है, ठीक। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये हाफ सेक्शन में है, हम कहते हैं ना कि सॉलिड बॉडी हमारे साथ सिमेट्री है, उसमें सिमेट्री होनी चाहिए ना, लेकिन वो फुल सेक्शन में हम नहीं कहते, तो इसकी क्या रीजन है? अच्छा, फुल सेक्शन में देखें, हाफ सेक्शन में हम क्या करते हैं, हाफ सेक्शन में हमें आधा पार्ट चाहिए होता है, ठीक है ना, आधे पार्ट की डिटेल चाहिए होती है, चूंकि सिमेट्री, सिमेट्री का मुराद आपको सबसे पहले सिमेट्री का मतलब पता है क्या सर? सिमेट्री का मतलब पता है, सिमेट्री किसे कहते हैं सर? मतलब ये कि वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो हमारे साथ जो है ना एक जैसा हो सर, थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, अगर उसको हम आधा कर दें तो जो आधा पोर्शन है दोनों सेम हो, उनमें कोई भी फर्क ना हो। ठीक, यस सर, ये पता है। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं, देखें मैं आपको स्लाइड की तरफ दोबारा लेकर जाता हूं। हाफ सेक्शन में, हाफ सेक्शन में अगर आप इधर थोड़ा गौर करें,
ये जब आप हाफ सेक्शन लेते हैं, क्योंकि आप कहते हैं सिमेट्री है, मैं येलो कलर यूज करता हूँ, आप कहते हैं सिमेट्री है, तो ये जब आप सेक्शनल व्यू लेते हैं, अच्छा यहाँ पे आपने आधा सेक्शनल व्यू ड्रा कर दिया और आधा आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यही चीज आप इधर दोबारा बनाओगे तो वो भी टाइम जाया होगा। आपको पता है कि आधे सेक्शन में यहाँ पे जो डिटेल है यहाँ पे, वो यहाँ पे भी है, ठीक है ना? इसीलिए हम हाफ सेक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ उन पार्ट्स की करते हैं जो कि हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना? क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है हाफ सेक्शन का? हाफ सेक्शन का एक फायदा ये है कि एक तो हमें टाइम बच जाता है कि यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करें, ठीक है ना? दूसरा एक हमें फायदा ये भी मिलता है कि हमें इस हाफ सेक्शन में हमें सेक्शनल व्यू भी मिल जाता है और एक्सटर्नल व्यू भी मिल जाता है, ठीक है ना? जबकि फुल सेक्शन में देखें तो फुल सेक्शन में तो ये फुल कार्ड रहना, आप देखें यहां पे अगर हम इसका आधा लें, ठीक है ना, यहां पे तो ये देखेंगे काउंटर बोर बना हुआ है और यहां पे ये काउंटर सिंक बना हुआ है, ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो ये अब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हम इसकी फुल सेक्शनिंग लेते हैं। आई होप कि आपको मेरे बातों की समझ आ गई होगी। यस सर। मुराद, मुराद का क्वेश्चन था, मुराद से पूछ रहा हूँ। यस सर, सही है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो बताएं, ठीक है ना? पूछें, बार बार पूछें, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर करें। क्लियर है यहाँ तक? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी जी सर, ये ऑफसेट सेक्शन फुल सेक्शन में आता है? ऑफसेट सेक्शन? जी सर। ऑफसेट सेक्शन कहाँ पे है मुझे पहले ये बताएं। इसमें नहीं था, बुक में था सर। बुक में था? अच्छा, ऑफसेट सेक्शन में क्या उन्होंने क्या बताया आपको, पहले तो मुझे ये बताएं तो ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सर फुल सेक्शन होता है बट उसमें जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अच्छा, लेट मी चेक आल्सो ऑफसेट सेक्शन ताकि आपको यहां पे ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना? सेक्शनल व्यू इमेजेस। अच्छा तो ये है ऑफसेट सेक्शन, है ना? इस ऑफसेट सेक्शन में क्या है, ये देखिए, अब ये ऑफसेट सेक्शन है और नाउ दिस इज थ्रू आउट लेंथ। अगर मैं इस पिक्चर को बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें, ये एक किस्म का फुल व्यू है, फुल सेक्शन है, फुल सेक्शनल व्यू है, तो बिल्कुल ऑफसेट सेक्शन जो है वो फुल सेक्शन भी हो सकता है। क्लियर? तो ये फुल सेक्शन ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वाली एग्जांपल जो है ये ऑफसेट है, क्योंकि इसमें देखें आप कि जो कटिंग प्लेन आ रही है उसको आपने, मैं आपको पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपकी जो कटिंग प्लेन लाइन आ रही है, पहली लाइन ये थी, ठीक है ना? अब इसको आपने ऑफसेट कर दिया इतने डिस्टेंस पे, ठीक है ना? और फिर नीचे जा रहे हैं, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑफसेट सेक्शन। क्लियर? यस सर। सर ये कटिंग प्लेन लाइन जो आपने बनाई है, हाँ, ये कटिंग प्लेन लाइन जो आपने बनाई है, हाँ, तो सर ये इसकी थिकनेस जो एंड पर जो ज्यादा होती है और दरमियान में कम होती है, किसकी थिकनेस? सर ये कटिंग प्लेन लाइन की। यार वो तो आपको पहले से, पहले जो लेक्चर में आपको, आपके पास टाइप ऑफ लाइन में कटिंग प्लेन लाइन को देखें तो उसकी जो भी थिकनेस है, जितनी भी स्पेसेस है, आपको ये भी, मुझे तो इतना भी याद है कि ये 20 से 25 mm है, दरमियान में गैप जो है वो 1 से 1.5 mm है, ये जो लाइन है ये 2 से 2.5 mm है, तो ये दरमियान में मरमियान में कुछ भी थ्रू आउट सेम होगी आप जो भी ये ले रहे हैं, ठीक है ना? ये नहीं है कि यहाँ पे हल्की होगी और यहाँ पे उसकी मोटाई ज्यादा होगी। सर बुक में देखा था, तो बुक में मुझे नहीं पता, लेकिन आप जितनी भी प्रैक्टिस देख लें, आप नेट से जितनी भी ड्राइंगें उठा लें सेक्शनल व्यू की, तो उसमें कटिंग प्लेन की थिकनेस सेम होगी, ये नहीं होगा कि कहीं पे बारीक होगा, और आपने शायद मतलब गलत उससे निकाला होगा बुक से जो उसमें लिखा होगा। सर बनाई हुई थी, स्पीकर ने बनाई हुई। अच्छा ठीक है, जो मुझे शेयर कर दे फिर देख लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन?
सर ये रिवॉल्व और रिमोट सेक्शन में क्या फर्क है सर, ये बताए तो। अच्छा आपने मुराद लेक्चर देखा था? यस सर। उसमें तो यार डिटेल से एक्सप्लेन है, मैं फिर इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा बताया भी था, लेकिन चले ये देखे, रोटेटेड सेक्शन और रिवॉल्व सेक्शन दोनों से एंड रिजल्ट सेम आता है, लेकिन जब आप रोटेटेड सेक्शन बनाते हो तो रोटेटेड सेक्शन में जो आप सेक्शनल व्यू बनाते हो वो उसी ऑब्जेक्ट पे बनाते हो। यहाँ पे आपने देखे ये पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, और उस पे आपने ये रोटेटेड सेक्शन बनाया हुआ है। जबकि आप रिमूव सेक्शन में देखें आपके पास ये वही पार्ट है जो यहाँ पे है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप जो उसका सेक्शनल व्यू बनाते हो उसमें पूरा का पूरा पार्ट नहीं बनाते, आप उसके सेक्शनल व्यू को अलग बनाते हो। क्लियर? रिस्पॉन्स दे, क्लियर? क्लियर सर, क्लियर, ऑल क्लियर। मुराद कहाँ गायब हो गया सर? उसको समझ आ गई होगी, लेफ्ट कर गया सर। अच्छा लेफ्ट करके। अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन के लिए वी हैव सफिशिएंट टाइम, क्वेश्चन पूछें, अपनी क्वेरीज क्लियर करें, उसके बाद हम उस पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे। जी नहीं है सर, मैं फिर कह रहा हूं पूछें क्वेश्चन, आपकी बहुत सारी क्वेरीज प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी क्लियर हो जाएंगी, पूछें। सर अभी प्रैक्टिस सेशन की तरफ मूव करते हैं, वहां पे किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो। अच्छा ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेशन मैं आपको थोड़ी एक चीजें वाजे कर दूं कि सेक्शनल व्यू के लिए जब आप सेक्शनल व्यू बनाते हैं ना, एक स्टूडेंट ने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि सेक्शनल व्यू में हमने क्या क्या चीजें बनानी है, क्योंकि हमें हमारे पास जो फिगर होती है उसमें तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होता, जिस तरह के मैंने आपको पुली की जो लेक्चर में जो फिगर थी तो उससे पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीजें, ठीक है ना, तो वो इसमें प्रैक्टिस सेशन में आपको पता चलेगी। लेकिन एक चीज याद रखें कि आपको सेक्शनल व्यू बनाने से पहले अगर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने आते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज किस तरह बनते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में उसकी प्रैक्टिस भी की थी अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो अगर आपको वो ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने आते हैं सो सेक्शनल व्यू आपके लिए बहुत ही आसान होगा, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। क्लियर? मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ सर। तो मैं यही कह रहा था कि जब आपको उस ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने आते हैं, ठीक है ना, तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ सेक्शनल व्यू, एनी सेक्शनल व्यू, ठीक है ना सर। उसमें बस सिर्फ वो हेड एंड आउटलाइन जो है हम डार्क कर देते हैं और एक चीज हटा देते हैं, ये दो काम होते हैं सिर्फ उसमें। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं, आप दोबारा पूछें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो जिस तरह होती है सेम इसी तरह सेक्शनल व्यू में जो है हम हेड एंड आउटलाइंस को जो है डार्क कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अभी आप देखेंगे डार्क भी करते हैं, डार्क खैर एक्चुअली नहीं करते उसमें हम अभी प्रैक्टिस सेक्शन। असल में अगर आप ने वो लेक्चर, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर फुल देखा है मेरा, मेरी ये जो बार बार ये कहता हूँ कि लेक्चर देखें कि उसमें अलिफ से ये तक सब चीजें डिस्क्राइब है, ठीक है ना, लेकिन आप प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे तो आपको, अगर किसी ने नहीं फिर देखा तो फिर उसको मसला होगा, अदरवाइज उसमें पूरी चीजें हैं। जिस तरह ये अजलाल ने बात की कि वही चीज है एग्जैक्टली, लेकिन उसमें हम थोड़ी एडिटिंग करेंगे, एक तो हमने हिडन लाइंस उसमें नहीं ड्रा करनी सेक्शनल व्यू में, और सेक्शनल व्यू में हम देखेंगे कि जो हम कटिंग प्लेन ले रहे हैं तो वहां पे जितनी फीचर्स हैं वो आप लोगों ने देखनी है और समझनी है कि कहाँ पे अब सॉलिड मटेरियल है तो उसको आपने फिल करना है और जो एम्प्टी है उसको आपने फिल नहीं करना, ठीक है ना। अगेन yes, अगर आप लोगों ने दोबारा वो लेक्चर देखे तो अभी आप प्रैक्टिस सेशन में आपको काफी आसान होगी चीजें बनाना, ठीक है ना। सो लेट स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस सेशन, क्लियर? गुड हो गया सर। ओके ओके, तो इधर वापस मैं बुक की तरफ आता हूँ, अगर आपको ये बुक विजिबल है, बुक मैंने ओपन की थी यार यहाँ पे, चले इधर की थी कि किसमें की थी, इसमें नहीं थी,
चलिए मैं बुक दोबारा ओपन कर लेता हूँ। पेज नंबर है, मैंने नोट किया हुआ था पहले क्योंकि टाइम कंज्यूम ना हो, सो दैट वाज 543, ठीक है ना। अच्छा, ये बार बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो ज्वाइन करते हैं ऑफिशियल से, अगर आप इनको जानते हैं तो इनको बता दे कि आपको एडमिट होने नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह क्या है कि अनऑफिशियल ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हामिद रहीम किस सेक्शन का है, कोई पता है किसी को? यस सर, सी का है। ठीक है सर, तो इसको मैसेज कर दें, सीआर इसको मैसेज कर दें। ओके, बुक हमने ओपन की, आते हैं इस पे, ठीक है ना। एक फिगर उठाते हैं, लेट से मैं ये फिगर लेता हूं, मैं थोड़ा इसको जूम इन भी करता हूं और फिर आते हैं इसको, इसको क्लिप करते हैं और प्रैक्टिस सेशन की तरफ आते हैं। आई हैव स्नैपिंग टूल जिससे मैं इसकी जो है वो क्लिप लेता हूं, ठीक है, यहां तक। इसको मैं पेस्ट करता हूं यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप इस इसको देखें थोड़ा, तो इसमें कोई भी, ये जस्ट मैं भी आपको समझाता हूं, थोड़ी इस पे डिस्कशन करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको कोई एस सच नजर नहीं आ रहा कि क्या हमने करना है। पेन को क्या हुआ, एक मिनट, ड्रॉ में जाएं, थिकनेस में थोड़ी बारीक थिकनेस सिलेक्ट करता हूं। अच्छा, इस फिगर को अगर आप देखें तो इसमें आपको कोई भी कटिंग प्लेन लाइन नहीं दी हुई। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आपको इस तरह की फिगर दी हो और सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए एक्स पे या इस एरो पे कि किस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं, मतलब यहां से मतलब ये है कि ये आपका फ्रंटल व्यू है। इसके बाद आते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कटिंग प्लेन लाइन होनी चाहिए। जैसे कि मैं इधर ड्रा कर रहा हूं समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह दी हो, ठीक है, और एरो निशान इस तरह दिए हो, आपको लिखाई नजर आ रही है? यस सर। ठीक है ना, तो अब आपने इसका सेक्शनल व्यू किस तरह ड्रा करना है। तो सिंपल थिंग ये है कि अगर आपको फ्रंट व्यू इसका पता है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू, लेकिन अब फ्रंट इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फ्रंटल व्यू पूरा का पूरा बनाएं। अब आप देखें कि यहां से हमने काटना है इसको, जब हम इसको काटेंगे तो हमें ये जो ये मैं दूसरे मार्कर से ये जो ये एरिया है, ये पोर्शन है, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, जो आपने ड्रा करना है यहाँ पे जितनी चीजें आ रही हैं वो आपने ड्रा करनी है। तो आप किस तरह ड्रा करेंगे कि सबसे पहले जब आप इसको काटेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन नजर आएगा, देखिए ये वाला, ये जो मैंने फिल किया हुआ है। अब इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? सर 12 तो ये दिए हुए ना सर, 12 तो ये आगे वाला। एक तो हमने इसकी टोटल विड्थ बनानी है, ये कितनी है, ये 32 और इसकी हाइट कितनी है, ये वाली 25 कंफर्म है? नहीं 25 नहीं है बच्चे, सामने वाली 25 है ना, टोटल ये नहीं कह रहा, ये देखें कटिंग प्लेन यहाँ से गुजर रहा है तो ये पोर्शन भी आपने नहीं ड्रा करना सर। -6 है, 25 -6 नहीं, 25 से कितना माइनस करें, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 25 है, ठीक है ना, और ये हमारे पास 6 है, तो ये जो होगा ये कितना होगा, 21 होगा, ठीक है ना, तो सॉरी 21 नहीं 19 होगा, 19 होगा सर, आपने ये 19 ड्रा करना है और इसको आपने इस तरह क्लोज कर देना है, तो ये आपका ये पोर्शन और फिर इसको आप फिल कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अब इस यहां पे अब अगर देखें तो पीछे आपको ये पोर्शन जो है ये भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला, ये इनके दरमियान जो गैप है, पर सर इसमें लाइन तो नहीं लगाएंगे ना, और इसमें लाइन नहीं लगाएंगे, एग्जैक्टली गुड, और फिर ये इधर वाला पोर्शन ड्रा करना है ये इस तरह, ये भी सेम वैसे ही होगा, ये भी सेम एज इट इज होगा, तो ये इसको आप कह सकते हैं सेक्शन AA। क्लियर
सर जो ये पीछे वाला हिस्सा है वो नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, वो मैं अभी आपको फर्दर और भी एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। क्यों नहीं बनाएंगे पीछे वाला पोर्शन? इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें, हम क्या है, अगर आप बनाते हैं तो भी बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो इस पॉइंट पे है, इस प्लेन पे है, और अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल बेशक बना ले, क्या होगा इसके साथ, इस तरह हो जाएगा। मैं आपको रफ yes, बना sir. रहा ऐसे ही होगा, सही बना रहे थे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ज्यादा से ज्यादा इस तरह हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं है ना। यस सर। हाँ, तो ये आपका सेक्शन ए हो गया, यहां तक आपको समझ आ गई? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें। यस सर। अच्छा, अब मैं दूसरे मार्कर को यूज करता हूं, ब्लू को। अब अगर आपके पास कटिंग प्लेन इस तरह दिया गया हो, और से देखें, और आपको थ्रू आउट इस तरह, मैं कटिंग प्लेन की जगह बार बार इस तरह डॉट लगाने के लिए मैं शॉर्टकट इसको बायर कर देता हूं, ठीक है ना, और यहां पे दिया गया हो बीबी, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि आपका कटिंग प्लेन लाइन यहां पे है, ठीक है ना, मतलब यहां से आपने सेक्शन करना है, और ये फुल सेक्शन है। तो फुल सेक्शन में अगर आप देखें तो ये आप क्या बनाएंगे, आप साइड व्यू बनाएंगे, ठीक है ना, और साइड व्यू में आप पूरी इसकी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग क्या करेंगे, एडिटिंग ये करेंगे कि जो अजलाल की बात थी कि जो आपके पास हिडन लाइंस थी, उस जगह आप क्या करेंगे, हिडन लाइंस नहीं लगाएंगे और उसको फिल करेंगे जो मटेरियल सॉलिड है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, ये देखें, ये सेक्शनल व्यू साइड व्यू में आ रही है, तो इसका साइड बेहतर ये कि इसका साइड व्यू बना लें। तो मैं रफली साइड व्यू बनाता हूं, ठीक है ना, मैं इसको ऊपर वाले को डिलीट कर दूं? यस सर। ठीक है, इसको डिलीट, अच्छा मैं इसको डिलीट करता हूं। गौर से देखें, चीजें इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, लेकिन आसान तब होंगी जब आप अपनी कंसंट्रेशन इस पे रखेंगे। सर, ये जो सेक्शनिंग वाली लाइन आपने ड्रा की है, ये इंक्लाइंड ही है या मतलब बिल्कुल सेंटर से? इंक्लाइंड नहीं है, ये आप किस तरह इंक्लाइंड नजर आ रही है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। सर, तो फिर इसको सेंटर में ले गए हैं नीचे से? हाँ, नीचे से सेंटर में नहीं आएगी? किस चीज के सेंटर में आएगी? मतलब आप साइड व्यू से काट रहे हैं ना इसको, मतलब साइड व्यू से? अच्छा, देखिए, एक चीज क्लियर कर लें, आप कटिंग प्लेन लाइन कहीं पे भी ले सकते हैं, आप टॉप पे भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, देयर आर मेनी प्लेन विच यू कैन टेक, ठीक है ना, लेकिन आपने फिर उस जगह की आपने व्यूज दिखानी होंगी, ठीक है ना। जिस तरह मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमने ये कटिंग प्लेन यहाँ पे क्यों ली, ये तो यहाँ पे भी ले सकते थे, ये तो यहाँ पे भी ले सकते थे, ये तो यहाँ पे भी, बट द क्वेश्चन इज दैट कि आपको एग्जाम में या आपको जहां कहीं पे भी डिटेल देनी होगी, आपने कटिंग प्लेन लाइन को वहां पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? ओके सर। हाँ, अच्छा, अब मैं वापस आता हूं सेक्शन बीबी की तरफ, ठीक है ना। सेक्शन बीबी अगर आप देखें तो सेक्शन बीबी इज एक्चुअली अ फुल सेक्शन, और इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर आप देखें तो इस साइड व्यू ही आपको बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं रफली बनाता हूं, आपने फिर एक्यूरेटली बनाना है। तो ये आप साइड व्यू आप किस तरह बनाएंगे, ये कितना है, 38 है, तो ये 38 हो गया, ये टोटल लेंथ कितनी है, 75, ठीक है ना। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन, अच्छा एक और चीज भी हम कर सकते हैं, लेकिन चले इसी को सर, इसमें जो ये बीच में से लाइन है 19, जो है 38-19 जो लेंथ आएगी, उसको हम शेड करेंगे और बाकी वाली को शेड नहीं करेंगे ना। अच्छा, ये देखें, अब आपके दिमाग काम करना शुरू कर दिए ना आप लोगों के। सो जब भी आप फिगर ड्रा करते हैं तो मेरे जहन में जो चीज अभी चल रही है या तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग होगा आपके जहन में। आप जिस तरह मैंने यहाँ पे 38 लाइन ड्रा की, मैं 75 भी ड्रा कर सकता था। तो हर एक बंदे के बनाने का तरीका थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन एंड रिजल्ट सबका सेम होगा, ठीक है ना। और इसी तरह ही आप सीख पाएंगे कि किस तरह चीजें बन रही हैं, ठीक है।
सो मुझे कंप्लीट करने दे, फिर उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, मैं आपको आंसर दूंगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, मैं तो वैसे अकेला क्लास में बैठा हूँ, इस तरह चीख रहा हूँ जैसे मैं जुम्मे का खुतबा दे रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, ये 38 हो गई, यहाँ तक तो समझ आ गई ना, ये 38 हो गई। फिर इसके बाद लाइन ड्रा करनी है 75, तो वर्टिकल लाइन आपने ड्रा करनी है 75 की, लेट से ये 75 हो गया। फिर इसके बाद ये वाली लाइन ड्रा करनी है, ये आपने देखें ये 75 भी ड्रा कर दी, फिर आपने ये 12 ड्रा करनी है, ठीक है? जब आप ये 12 ड्रा कर लेंगे, फिर इसके बाद ये कितना है ऊपर? 6, ठीक है ना? फिर ये कितना है? ये 6 हमने ड्रा कर ली, इसके बाद ये हम आते हैं 63 पे, तो ये हमने 60, यार इस पे एक मसला ये है कि इस पैड पे चीजें ठीक नहीं बनती, तो लेट से ये 63 हो गया, ठीक है ना? फिर ये नीचे वापस 6 गया, फिर ये 12 हो गया, और फिर ये ऊपर कितना जाएगा? 25 ऊपर जाएगा, तो हम 25 ऊपर लेकर गए, ठीक है ना? फिर कितना ये जाएगा इधर? ये कितना है? 12 नहीं 63 माइनस 38 है, 24 है सर। हाँ 24, ये 12 प्लस। अच्छा एक और चीज देखें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये व्यू थोड़ा गलत नहीं हुआ सर? अच्छा ये देखें, एक मिनट, ये टोटल डिस्टेंस 63 है, ठीक है ना? ये टोटल यहाँ पे हमने ये कहा था थोड़ी देर पहले, ये 63 है, दिस इज नॉट 63, ये आपने कितना ड्रा करना है? 63 माइनस 12 माइनस 12, तो जो आएगा ये वाली लाइन होगी, ठीक है? हम इसकी तरफ आते हैं, ये वाली लाइन जो मैंने मिटाई है अभी, ये वाली, ये दोबारा देखें इसको गौर करें, ये वाली कितनी है? ये होगी आपके पास टोटल 63 है, तो 63 से आप 38 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा ना? यस सर। ठीक है, यस सर, निकलता है, कैलकुलेट करें इसको। 25 तो ये अब आपने 25 जाना है इस तरफ, ठीक है ना? चूंकि अब आप देखें कि ये फिगर चूंकि मैंने फुट से नहीं बनाई, रफली मैं बना रहा हूं, तो इसमें थोड़ा इश्यू है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर से इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ये ठीक लगे। जब आप इसको एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बनाएंगे तो आपकी फिगर कुछ इस तरह बनेगी, बनेगी कि नहीं? Yes. अच्छा अब हम आते हैं, चूंकि हम इस तरफ सेक्शनिंग कर रहे हैं, ये 19 है ना, 19, तो हमने इस पॉइंट से 19 जाना है और नीचे कितना आना है? 38, तो यहां से आप नीचे 38 की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना? ये काट लिया आपने, अब आपको चूंकि इस जगह पे ये वाली एजेस नजर नहीं आ रही, ठीक है ना, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? और जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, अच्छा जब आप इसको काटते हैं, एक और चीज भी है आपके पास कि जब आप इसको काटते हैं तो आपको ये चीज भी तो नजर नहीं आती ना? यस सर, ये नहीं नजर आएगा, यहाँ सीधा नीचे आएगा। अगर आप नीचे वाली चीजें नहीं बनाते तो भी ठीक है, अगर बनाते हैं तो आप फिर क्या करेंगे, आप इस पोर्शन को जो है ना, जहां तक ये मिल रहे हैं, इनको आपने वो कर देना है, ठीक है ना? क्लियर सर? ये पीछे वाला तो आएगा सर मेरे ख्याल से, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, पीछे वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये पोर्शन एम्प्टी है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप बेशक इस तरह लाइन लगा सकते हैं, लेकिन इसको ये वाला नहीं बोल रहा, नीचे वाला सर, जो नीचे सर, ये नीचे वाला हैंडल है, ये वाला
बैक वाला सर 63 और 12th फेल वाला राइट साइड वाला तो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ है जो पीछे वाला 12 है सर। अच्छा कनेक्ट तो हुआ है लेकिन एक चीज देखें कि आप सेक्शनल व्यू कहां से ले रहे हैं, आप यहां से ले रहे हैं तो ये पोर्शन नीचे इधर नहीं आता। तो वो जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि बेहतर ये कि आप वो पोर्शन ना बनाएं, लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मैं बनाता हूं तो वो बना भी सकता है इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिंपल की तरफ जाते हैं, एक तरीका तो ये कि अगर आप ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाएं और उसमें एडिटिंग करें, दूसरा तरीका ये कि आप देखें यहां से आप सेक्शनल सेक्शनिंग ले रहे हैं ना, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, यहां से आप ले रहे हैं ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे कुछ चीज नहीं है इधर, तो बेहतर ये कि आप इस डब्बे को देखें तो इसकी मैक्सिमम डायमेंशन क्या है, इसकी मैक्सिमम डायमेंशन है, मैं फिर दोबारा इधर बना देता हूँ, इसकी मैक्सिमम डायमेंशन आएगा सर ये अंदर आएगा सर, सर ये बाकी वाला पार्ट आएगा, सिर्फ आगे वाली सर जो इसकी लेग है वो नहीं आएगी, बाकी पीछे वाला पार्ट आएगा सारा, पीछे वाला आएगा ना, ये इतनी लेंथ की जितनी भी चीजें दरमियान में आ रही है वो आएंगी, लेकिन आएंगी सर वो आपने नीचे वो नहीं किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ, नीचे से एम्प्टी है वो यार, वो सर 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 जी 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 ये लाइंस तो हम उसमें बनाएंगे जो कटिंग प्लेन में आए ना, ये नीचे वाला तो कटिंग प्लेन में नहीं आता ना, वो तो कट नहीं होता, यही तो मैं कह रहा हूँ कि नीचे नहीं आता इसलिए हम इसको नहीं बनाते, अगर बनाते हैं तो उसको फिल नहीं करते, तो ठीक है ना सर इसमें क्या है, ठीक है तो ये तो यही कह रहे हैं ना, ये जो और जो लगे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, हर एक की अपनी राय है। अच्छा कोई मसला नहीं है, हम दूसरी फिगर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, सर असल में वो समझ रहे होंगे हम सामने से प्लेन, ये चीज सामने से बना रहे हैं, या नहीं, आप तो पीछे से बना रहे हैं ना, यार हम इसको इधर से देख के काट रहे हैं ना, ये व्यू जो है ये हमें साइड से ही नजर आएगा ना। ओके हम दूसरी फिगर देखते हैं, एक सिंपल फिगर देखते हैं उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सर सिंपल फिगर इसको देख लेते हैं, इस फिगर को ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लिप करता हूं और उधर मैं पेस्ट करता हूं और इसको देखते हैं। को क्लियर नजर आ रही है ना आपको? अच्छा इसमें फ्रंट व्यू कहां से होगा? अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं इसका मैं लेट से इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू को थोड़ा डिस्कस के साथ साथ ऑर्थोग्राफिक व्यू वाले कंसेप्ट को भी क्लियर करें जिनको नहीं कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और मुझे कहा गया है यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आप इसके व्यूज बनाएं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू अबव होता है और टॉप व्यू बिलो होता है, तो मैं रफली इसके व्यू बनाता हूं, तो फ्रंट से मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रही है, एक लेंथ 56 नजर आ रही है, ठीक है ये वाली लाइन, ठीक है फिर क्या नजर आ रहा है 20, तो मैंने इधर 20 की लाइन लगानी है, ठीक है ना, फिर ये कितना है 16, अभी मैं सेक्शनल व्यू की तरफ नहीं जा रहा, ये 16, फिर ये नीचे कितना आ रहा है 20 minus 8 12, क्लियर, फिर ये लेंथ कितनी है, ये जितनी भी रहती है तो वो आप इसको एंड तक लेकर आए, ठीक है ना, जब आप एंड पे लेकर आते हैं इसको बंद कर देते हैं, क्लियर यहां तक। Yes, अच्छा फ्रंट व्यू में मैं जब फ्रंट व्यू में देखता हूँ तो फ्रंट व्यू में मुझे ये बॉक्स भी नजर आता है ना, जो कि इस एज पे है, ठीक है ना, और उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन यही है 12 हाइट है इसकी, या तो इसी जगह आप इसको कर दे 16 है, ये इसका फ्रंट व्यू होगा। अब फ्रंट व्यू में एक चीज रहती है, क्या रहती है, हिडन लाइंस, तो वो आप देखें कि यहाँ पे आपने 16 ये 16 जो है सर ये आएगी, तो ये आपने खुद देखना है, ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, इन दोनों लाइंस के दरमियान हेडन लाइंस के दरमियान ये डिस्टेंस होगा 16, ये आपका फ्रंटल व्यू हो गया, क्लियर, यस
अच्छा टॉप यू के लिए क्या करेंगे आप, टॉप यू की तरफ आते हैं तो टॉप यू के लिए मैं रेड यूज करता हूँ, टॉप यू आप, तो टॉप यू में हमें क्या क्या चीज नजर आएगी, एक तो ये डायमेंशन पूरी नजर आएगी मैक्सिमम 56 बाय 32, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी 56 है, तो इससे हम प्रोजेक्ट करते हैं, लेट से यहाँ पे, और इसको भी प्रोजेक्ट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली, ये 56 हो गया और ये कितना है 32, तो 32 इसको आप बना लें इस तरह 32 मैयर करके, ठीक है ना, ये बना लिया। अब टॉप में आपको क्या नजर आता है, ये वाला पोर्शन नजर आता है, आता है ना ये वाला, ठीक है, तो ये इस एज से कितने फासले पे है, 20 के फासले पे है। अगर आपने टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाया है तो आप इसको यहां से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहां से नहीं, ये वाली लाइन में नहीं है, सॉरी 16 वाली, ये हिडन लाइन वाली, ये वाली, ये फिर आप बाद में मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, अब आप देखते हैं कि ये तो यहां से कितने फासले पे है, यहां से इस कॉर्नर से 10 के फासले पे है, तो इस कॉर्नर से 10 के फासले पे एक लाइन लगाएं, ठीक है ना, सॉलिड, और फिर इसके दरमियान ये डिस्टेंस कितना है 12 है, तो इसको बंद कर दें और बाकी अननेसेसरी लाइंस को, यार ये किसका माइक ऑन है वो बंद करे, ये बन गया, ठीक है ना। सिमिलरली इनको भी आप प्रोजेक्ट करें, जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस पॉइंट को तो वो यहां कहीं आएगा, ठीक है ना, यहां पे आएगा, तो इसको इधर से मिला लें और इसको इधर से मिला लें। सिमिलरली इस पॉइंट को भी प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना, जितने इसकी डायमेंशन हैं, तो ये आपके पास ये आ गया, क्या बन गया, ये सर टॉप व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, ठीक है ना, रफली मैंने बनाया, मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरे पास रफली है। अब हम आते हैं सेक्शनल व्यू की तरफ, सेक्शनल व्यू, ठीक है ना। अगर मैं, मुझे यहां पे ये फिगर दी गई है, ये मैं मिटा दूं सर, हॉरिजॉन्टली इसका सेक्शन मैं अभी करता हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे मुझे सेक्शनल व्यू दिया हुआ है कि आप सेक्शनल व्यू इसके जो मिड है, मिड, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसके मिड तक गई, फुल गई हुई है, और मुझे कहा गया है कि इसका सेक्शनल व्यू ड्रॉ करें, ये इस तरह दिया हो, ठीक है ना, तो इसका सेक्शनल व्यू आप किस तरह ड्रॉ करेंगे सर, मिड से लेंगे सर, और ये जो दरमियान में जो होल्स है सर, ये नहीं लेंगे, इसको शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड। एक तरीका तो ये है बच्चे, सुने, एक तरीका तो ये है कि हम जो इसकी ये प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है 8 और लेंथ कितनी है 56, तो 8 ज़र्बे 56 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। यस सर, ठीक है ना, ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसमें ये पोर्शन जो है एम्प्टी है ना दरमियान में 16 वाला। यस सर, इसको एम्प्टी रखेंगे, बाकी को शेड कर, इसको एम्प्टी रखेंगे और बाकी को हम, तो ये भी इसका एक वो हो सकता है। दूसरा, अगर आप फ्रंट व्यू में इसको बनाते हैं तो फ्रंट व्यू में ये क्या होगा, ये इस तरह होगा, पर वो चीज भी एम्प्टी रहेगी ना सर। कौन सी, तो ये एम्प्टी है ना, इसके दरमियान में तो मैंने कुछ नहीं बनाया, ये वाला, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं, सुने, अब इसकी तरफ देखें, अगर हम इसको इस तरफ से बनाते हैं, अगर अब आपके पास सेक्शनल व्यू यहां से दिया हुआ है सर, ये हेड एंड आउटलाइंस को आपने डार्क नहीं किया फ्रंट व्यू में, हिडन लाइंस कहां डाली है यार मैंने, ये फ्रंट व्यू में सर, हां ये वाली, नहीं नहीं, ये हिडन, हिडन देख लेना सर। अच्छा, ये फ्रंट में है ना ये, चूंकि मैंने उस फ्रंट व्यू में इसको इंक्लूड किया है, तो बिल्कुल आप इसको हिडन लाइंस को सॉलिड करेंगे, ये ठीक है, आपने ठीक कहा है, गुड। फिर ये आपका, फिर ये आपका फ्रंटल व्यू नहीं रहेगा, फिर आपका ये व्यू रहेगा सेक्शन ए ए, क्लियर,
एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट होल्ड करें, होल्ड करें, एक मिनट सबर करें। श्योर सर, माइक ऑन ऑफ। محمد رسول الله अच्छा वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम? सर ये वाला व्यू हम खुद ड्रॉ करते हैं सर। अच्छा सर ये फ्रंट व्यू में ये वाला भी, ये एक बॉक्स हम उसको उसमें लाइंस नहीं लगाएंगे, ये क्या ये हैचिंग लाइंस नहीं लगाएंगे हम ये एक बॉक्स में, बिकॉज़ वो भी तो फ्रंट व्यू में सॉरी दिख रहा है। इधर नहीं लगाएंगे आप ये कह रहे हैं? यस सर, ये दूसरा वाला। हाँ ये वाला ना? यस सर। इधर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये देखें ये लाइन मिड से पास हो रही है और मिड में ये चीज नहीं आ रही, आपको यहाँ पे इस तरह लग रहा है कि ये लाइन इस चीज से पास हो रही है, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन ड्रा हुई है, ये देखें ये 32 का मिड क्या है 16, ठीक है ना, और इसकी इसकी विड्थ क्या है 8, तो ये इससे पास नहीं हो रही, इसलिए हम इस चीज को इनकाउंटर नहीं कर रहे कि ये क्या चीज है। अच्छा वापस आते हैं इसकी तरफ, ये मैंने आपको दिया यहाँ पे सेक्शन, ये इसको मैं कहता हूँ बी फॉर एग्जाम्पल। अब इस सेक्शन बी को ड्रॉ करते हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे इसका साइड व्यू अगर मैं देखूं तो साइड व्यू में मुझे क्या चीजें नजर आएगी, ये मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ सर, ये राइट साइड वाली सर जो ब्लॉक है ये नजर आएगा, बस ये एल शेप नजर आ रहा है, सिर्फ ये नजर आएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना? सामने वाला बॉक्स भी नजर आएगा सर। सुने मेरी बात सुने, मैं इस एल शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, ये ड्रॉ कर ली, ठीक है ना? अब चूंकि यहाँ पे ये भी है, वाला होल भी होगा, अगर आप ड्रॉ करते हैं इसको, आप ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सो बिस्मिल्लाह ड्रॉ करें, लेकिन अब आपके पास जो है ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या होंगी, ये सॉलिड होंगी, और ये अगर नहीं ड्रॉ करते तो बेहतर है, मेरा मशवरा तो ये होगा कि आप ये ना ही ड्रॉ करें, क्योंकि अगर आप देखें यस सर, क्योंकि इस सेक्शन व्यू में तो नहीं आता ना, कि ये इस प्लेन में नहीं आता, तो ये ना ड्रा करें, तो ये होगा सेक्शन बी। और मुझे खुशी है कि आप लोगों को समझ आ रही है, जब आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ रही है। यस सर। क्लियर? अगर अब मैं इधर सेक्शन ड्रा करूं, मैंने डायरेक्ट लाइन लगाई, मुझे लगानी चाहिए थी इसी तरह कटिंग प्लेन लाइन, लेकिन अब आप लोगों को चूंकि समझ है, तो ये अगर मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या होगा, इसका सेक्शनल व्यू क्या होगा? अभी डब्बा बनाएंगे सर, ये सेम दूसरी की तरह होगा पर ये राइट साइड पे बनेगा। हाँ ये इस तरह बनेगी, ये उल्टा एल बनेगा, ये इस तरह बनेगा, ठीक है ना? सेक्शन C-C, यहां तक क्लियर है? यस सर। दूसरी फिगर देखें? यस सर, दूसरा हम खुद बनाते हैं सर, आप। अच्छा हाँ, आपको मैं आपको खुद देता हूँ, आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, आसान फिगर की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद आपको दूसरे फिगर की तरफ जाएंगे। कौन सी फिगर दें सर ये दोबारा लाएं जरा सर, ये लास्ट में जो आपने बनाया है सर, ये देखें इसमें सेक्शन सी वाला। ये सर सी वाला सर, इसमें तो ये बॉक्स भी आएगा ना फिर? कौन सा बॉक्स सर? ये जो पहले आपने नहीं बनाया था, ये दरमियान में ये वाला? नहीं सर, ये साइड वाला, ये तो इधर नहीं बनाया यार, इस प्लेन में देखें, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्लेन में अब इधर आप जब इसको काट रहे हैं तो इधर तो ये चीज नहीं है ना, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया सर। ये बीच में जो होल है सर,
बीच में होल भी नहीं आएगा क्योंकि इस प्लेन में होल नहीं आ रहा। अगर मैं इसको इधर ड्रा करूं, लेट से अब मैं इसी को एक मिनट सबर कर ले, इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कोई और कलर का मार्कर सिलेक्ट करता हूं, इस पिंक को देख लेते हैं। अब अगर मैं इसके मिड से इसको ले जा रहा हूं, नजर आ रहा है? यस सर। और इसको मैं कह दूं डी डी, तो अब डी डी सेक्शनल व्यू किस तरह बनेगा? वो इस तरह बनेगा जो यहाँ जो ये है, ये वाला व्यू है, ये देखें, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये सेक्शन डी डी होगा। आप सोचें क्यों इस तरह बनेगा, सोचें। दरमियान में बॉक्स सेक्शन है ना, और होल है दरमियान में। हाँ, सेक्शन के तो दरमियान में ये 16 और ये 12 होल, ये इस तरह बनेगा। मैं दोबारा बना रहा हूँ रफली, ये इस तरह बनेगा, ठीक है ना? और ये हमारे पास सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा। इसकी ये लेंथ कितनी होगी? इसकी ये लेंथ होगी 10, ठीक है। ये दरमियान में स्पेसिंग कितनी होगी? ये होगी 12, और ये कितनी होगी? ये भी होगी 10, ठीक है ना। और इसकी थिकनेस कितनी होगी? ये होगी इसकी 8, क्लियर। और ये सेक्शन डी डी बन जाएगा। अब यहां पे न ये चीज आ रही है और न ये चीज आ रही है, सो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको कहते हैं कि सेक्शनल व्यू में आपको जो सेक्शन दिया होगा आप उस साइड की व्यू को देखें कि कौन सी व्यू में आ रही है, फ्रंट में आ रही है, टॉप में या साइड में, और फिर उसमें आपने एडिटिंग करनी है। जो चीजें रिक्वायर्ड है वो बनाएं, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है वो ना बनाएं। तो सर ये सेक्शन बीवी में हमने फिर क्यों ये एल टाइप बनाया? वो तो उधर सेक्शनिंग में 20 के जो है लेंथ पर आ रहे टाइप। दोबारा बताएं सेक्शन बी में क्या क्या? सर ये सेक्शन बीवी आपने जो बनाया है, हाँ, तो सर इसमें ये एल टाइप फिर क्यों आया है सर? उधर तो मतलब ये जो है कटिंग प्लेन लाइन 20 के डायमीटर पर आया है ना, और उसमें जो ये देखें आप इसको यहाँ से काट रहे हैं थ्रू आउट, तो इस थ्रू आउट में ये आपके पास ये वाला आएगा, ये पोर्शन, ठीक है ना, और नीचे ये टोटल प्लेट है, ये भी आएगी। तो सर हम तो उस साइड वाला कर रहे हैं ना सर, ये वाला तो फिर नहीं आएगा, वो ये डब्बा सा जो बना ये तो 8 डायमीटर। ये देखें आप इधर से देख रहे हैं ना, तो ये पोर्शन आपने बनाया ये, और इधर नहीं है तो इधर नहीं बनाया, ठीक है ना। अब सेक्शन सी सी में देखें, तो सेक्शन सी सी में ये इधर वाला बनाया है लेकिन इधर वाला नहीं बनाया। क्या मसला है इसमें यार, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो अभी काफी आसान फिगर्स हैं। हाँ जी सर, यस सर, ठीक है। अभी हम और फिगर की तरफ जाते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा आप इस तरह करें, ये फिगर नजर आ रही है, इसको मैं उठाता हूँ, चलें आसान लेते हैं ना ताकि आपको सही है सर, और फिर जब आसान की समझ आ जाएगी तो तब आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। अच्छा सर दो अलग अलग इसके सेक्शन दें। अच्छा मैं आपको अलग अलग देता हूँ ना, मैं अब आपको टास्क देता हूँ ना, ये इधर इसको पेस्ट करने दें मुझे। अच्छा पहले तो आप देखें, अब आप क्या करें, अब आपने सेक्शनल व्यू बनाना है, किस तरह बनाना है? वो इस तरह बनाना है। ये आपका जो सेक्शन है ना, सेक्शनल व्यू लाइन, पहले तो आप इसको इस तरह बनाएं। ये एरो डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपने इस तरफ ये सेक्शन ए ए ड्रा करें, इसको ड्रा करें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं सर। ये इंक्लाइंड लाइन तरीके आप कौन से यूज कर रहे हैं? आप इसको समझ सकते हैं कि आप इसको टॉप से देख रहे हैं, तो ये टॉप से, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये टॉप से बिल्कुल हॉरिजेंटल है, और ये लाइन जो है ना, ये सरफेस के पैरेलल भी है। इसको ड्रॉ करें, थोड़ा ड्रॉ करें।
मैं अगेन दोबारा बता दूं कि जिसने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा सेक्शनल वाला, वो काइंडली दोबारा केयरफुली उसे देखें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपकी ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन वहां पे आपकी क्लियर हो तो तब आप इसको इधर आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आप कोशिश करें कि इसको आप एज इट इज उसके मुताबिक बनाएं, डायमेंशन के मुताबिक नीट क्लीन बनाएं जरा, क्लियर सर। इसकी हाइट किधर से मिलेगी? हाइट नहीं मिलेगी ना सर। यार आप एक तो ये एक जब भी आप एक बात याद रखें, जब भी आप फिगर बनाएं, फिगर बनाने से पहले आप 3-4 मिनट फिगर को गौर से देखें कि इसकी डायमेंशंस कहां से मिलेंगी। देखें ये इसकी बाकी मिल जाएंगी सर, ये जहां से आपने सेक्शनिंग की है ये डिस्टेंस मैटर करता है ना, ये मैटर नहीं करता इसमें। आप इसको साइड से तो नहीं बना रहे ना, आप इसको टॉप से काट रहे हैं, टॉप से काट रहे हैं, लेकिन ये साइड में। अच्छा, जब इसका आप सेक्शनल व्यू बनाएंगे ना, सेक्शनल व्यू, अच्छा हाँ ये है बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सर, उसी का कह रहा हूँ ना कि वो सेक्शनिंग लाइन जहाँ से आपने ड्रा की है वो चीज जो है वो मैटर करती है, या तो आप वो ऊपर 21 वाली लेंथ से करें ना जहाँ पे। अच्छा आप डिफाइन कर दें कि कितनी होनी चाहिए, ये आप रफली ले सकते हैं, क्योंकि देखें इस पॉइंट पे जीरो है, 20 कर ले सर, 20 इस पॉइंट पे जीरो है, और इस पॉइंट पे बल्कि 30 कर ले, 27 से 42 है। तो आप इसके लेट से आप इसके मिड सेक्शन पे ले लें, ये जो कटिंग प्लेन है ना ये इसके मिड सेक्शन पे है, तो आप इसका निकाल सकते हैं 21 42 है और ये 21 बन जाएगी। गुड गुड, सही है, ठीक जा रहे हैं। मैं भी कुछ रफली इधर बनाता हूं, आप भी बनाते जाएं ताकि साथ साथ कंपेयर भी होता जाए। ये इस तरह बनेगा, आसान है अगर आपको थोड़ा बस आप क्लिक कर जाएं इसके आइडिया को। कुछ समझ आई ये किस तरह बने जो मैंने बनाया है? ये टोटल लेंथ होगी इसकी ये वाली, यहां से यहां तक 12, 18, 30, 40, 42, ये 42 होगा, ठीक है ना। ये थिकनेस इसकी होगी 12, ठीक है ना, और ये इसकी यहां से यहां तक हाइट होगी जो आपके मुताबिक ये 21 होगी। क्लियर? यस सर। सबका इसी तरह बना है सर? मेरा तो इसी तरह बना है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे ये लाइनें नहीं लगानी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी लेकिन मैंने मिटा दी थी, वो आपने नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इधर से काट रहे हैं तो यहाँ पे ये मटेरियल, ये प्लेट नीचे, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है यहाँ पे इस तरह का, या एज नहीं है, ये थ्रू आउट इसी तरह होगी, ये जो मैंने बनाई है ये वाली। क्लियर? दूसरा टास्क दूं? यस सर। अच्छा, अब आपका दूसरा टास्क क्या होगा? दूसरा टास्क आपका ये होगा कि आपका ये होगा बी, और ये आपके पास जो लाइन है ये कटिंग प्लेन लाइन, ये बिल्कुल इस तरह होगा बी बी, मींस के इसके आपको मिड से बिल्कुल इस तरह स्लाइस करें और फिर इधर से देखें, तो ये व्यू बनाएं जरा। शाबाश। यस सर।
आसान है काफी। अब ये व्यू आप किसमें, ये आप फ्रंटल व्यू से बना सकते हैं। अगर आपको फ्रंटल व्यू का पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सर ये बीपी स्लाइड के बीच में आ रही है सर ये वाली? हाँ ये देखें, ये थ्रू आउट हॉरिजॉन्टली सीधा गई हुई है। इसको आप एक मिनट इस तरह कंसिडर करेंगे कि ये आपने छुरी इधर रखी और आपने छुरी से इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो आप बनाएं, दो तीन मिनट बाद फिर मैं इसको रफली बनाता हूं, फिर उसके साथ जल्दी बनाएं। खैर है, अगर किसी के पास पेन फुट नहीं है तो आप उसको अंदाजतन बनाएं, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें आप इसको ठीक तरीके से बना लें। लेकिन अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो आप रफली ठीक बनाएंगे। अच्छा, मैं आप इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा बताऊं कि काफी चीजें आसान है, ठीक है ना। आप इधर से देख रहे हैं तो जाहिर है ये फ्रंट व्यू में आता है। तो अब आपने क्या बनाना है, सबसे पहले बिल्कुल आप ये बना लें, ये वाला ये पोर्शन, ये मैं ग्रीन मिटा देता हूँ ताकि आपको दरमियान में समझ आए। और इसको भी अभी भूल जाए, ये जो इधर बनाया ये भी मिटा देते हैं चले, ताकि कंफ्यूज ना हो अब आप इसमें। हम आते हैं अब बनाते हैं इसको रेड कलर से, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये टोटल लेंथ कितनी है 66, तो 66 की लाइन ड्रा करें। अब हर एक जरूरी नहीं है कि इसी तरह स्टार्ट करें जिस तरह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हर एक का अपना तरीका हो सकता है। ये टोटल बना दिए सर, बना दिए। ये टोटल हाइट 60 है, तो ये 60 वर्टिकल ऊपर जाए। फिर इसकी थिकनेस कितनी है 12, एक मिनट, ये 12 इधर आए, 12, ठीक है ना। फिर नीचे कितना आना है, 60 से 12 माइनस करें तो 48 बच जाता है, तो आप 48 नीचे आ जाए, ठीक है ना। फिर ये आखिर तक चले जाए, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, ये इस एज से कितने नीचे, कितना नीचे जा रहा है, तो आप इस सर्फिस से 42 ऊपर जाए, तो 42 जितना ऊपर जाते हैं वो ये पॉइंट आता है, इसको आप इधर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। तो ये जब आप करते हैं इस तरह, तो ये आपके पास ये भी, इसको भी आप, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, इसको मैं रफली बना रहा हूं, ये भी सॉलिड होगा और ये भी आपके पास, इसको इसको आपने इस तरह बनाना है और इसको आपने अलग थोड़ा एंगल चेंज कर देना है ताकि पता चले कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो ये आपका सेक्शन बी भी होगा। किसी ने इस तरह बनाया है? अरे ये सेंटर वाली लाइन नहीं है? यस सर, यही बनाया। क्या चीज एग्जैक्टली? क्वेश्चन किसका था सर? मेरा क्वेश्चन था, हम जब सेंटरिंग से इसको मतलब सेक्शनिंग करेंगे तो ये जो आपने बात वाली 12 की डिस्टेंस पे लाइन लगाई है, ये वाली लाइन तो नहीं आएगी, मतलब हमें तो पूरा ऑब्जेक्ट एक ही नजर आएगा। कौन सी लाइन मैंने लगाई है सर? ये जो पहले सेक्शनिंग की है ना। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ सर, ये इसकी बात कर रहे हैं? यस सर इसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर वाली सिर्फ ऊपर वाली लाइन लगानी है या नहीं लगानी? ये वाली, मतलब जो आपने पहले ड्रॉ की है ना ऊपर वाली 12 के डिस्टेंस पे, उसका पूछ रहा हूँ सर। ये दरमियान में ये वाली? यस सर। तो ये किस तरह आएगी यार? ये तो आप इसको स्लाइस कर रहे हो, तो ये तो डिस्टेंस नीचे होगा ना, इधर से ये वाला स्टार्ट होगा। ये आप जो डिस्टेंस बता रहे हैं, ये कह रहे हो ये वाला? अब जो ट्रायंगल बांध रही है ना, अब जो ऊपर जो ट्रायंगल बांध रही है, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ कि ट्रायंगल वाली बेस और इसका जो परपेंडिकुलर है, ये आएगा या नहीं आएगा? ये आएगा ना, बस ये एक ही लाइन है ना, मीन्स कि ये इसके एज को भी रिप्रेजेंट कर रही है और इस ट्रायंगल के एज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ओके सर, ये दोनों एक जगह पे मिल रही हैं। ये लाइन जो है ना, ये इसका भी ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ये इस प्लेट का भी हिस्सा है, तो
तो ये एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन फर्क हमें कहां से पता चलेगा कि ये दो है, वो यहां से पता चलेगा कि देखिए ये 12 का गैप है तो ये ऊपर गया हुआ है, थोड़ा ऊपर है ये वाला पोर्शन, ये ओके सर ओके, मींस कि ये एक जॉइनिंग एज है जो जॉइन करता है इसको भी और पार्ट वन को भी, बस इसी का कंफर्म करना था कि ये जॉइनिंग एज बनाना है या नहीं बनाना। अच्छा और किसने सही बनाया है? मैंने सर। आपने? आपसे पहले बनाया मैंने। गुड, अच्छा किया है, खुशी है मुझे। यस सर, बन गए। अच्छा लेट्स ट्राई अ थर्ड वन, इसमें एक थर्ड पोर्शन को भी। सर ये ठीक है जी, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद चेक करूंगा, अभी मैं एक ही स्क्रीन पे हूँ ना। चले दिखा दे मुझे, दिखा दे, प्रेजेंट करें आप अपनी स्क्रीन। हाँ ठीक है, लेकिन ये आप सेक्शनल व्यू लाइंस देखें, उन उसूलों के मुताबिक नहीं है। आपको कहा है वो 75 डिग्री पे हो सकते हैं, 45 पे, 30 पे, तो कोशिश करें। वो तो रफी रफी बनाया है थोड़ा सर, तो इसी वजह से डायरेक्ट ही बनाया, वो तो स्लो बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। अच्छा और कोई शो करना चाहता है फिगर को? आपने उल्टा इसको वो किया हुआ, इसको सीधा करें, आपका कैमरा उल्टा है या तो नहीं, ये मेरा अच्छा उमर खान, आपने मेरे ख्याल में बैकग्राउंड छुपाने के लिए कोई वो वॉलपेपर यूज किया, तो आप जो फिगर दिखा रहे हो तो वो फिगर के ऊपर भी वो बैकग्राउंड आ रहा है सर। हाँ ये नजर आ रही है सर। हाँ ठीक है फजल वहाब, सही है, लेकिन ये अगेन सेक्शनल सेक्शन लाइंस जो है वो आपने ठीक तरीके से और इक्वल स्पेस बनानी है। मैं दोबारा इधर एक थोड़ा बता दूं, मैं तो इधर रफ बना रहा हूं, लेकिन आपने सर? एक मिनट, अब आपने जब इसमें सेक्शन लाइंस ड्रा करनी है, एक तो आपने जितने एंगल पे ये लाइन ड्रा करनी है उतने एंगल पे भी ये भी ड्रा करनी है, और इनके दरमियान स्पेसिस को भी यूनिफॉर्म रखना है। ये नहीं कि इन दोनों के दरमियान स्पेस कम है और इधर फिर स्पेस ज्यादा है और फिर इधर ज्यादा है, तो ये स्पेसेस दरमियान में वो जो लेक्चर में कहा गया उसी के मुताबिक करना है। जी 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 सर, ये जॉइनिंग लाइन है, इसको शो करना जरूरी होता है सर? कहां पे जॉइनिंग लाइन सर? जो आपने दरमियान बीच में साई हुई है, जो आपने फिगर बनाई अभी, तो जॉइनिंग लाइन इसलिए हम लगाते हैं कि बच्चे देखें, अगर तो पार्ट एक है, अगर तो पार्ट में दोबारा बुक की तरफ जाता हूं, यहां पे देखें तो ये एक अलग पार्ट है, ये वाला, ये एक पार्ट कह सकते हैं, मतलब ये एक मिनट, ये एक अलग फीचर है और ये एक अलग फीचर है, ये दोनों यहां पे ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर ये एक सिंगल ही पार्ट है तो बिल्कुल आप, और चूंकि जब आप इधर इसको काटेंगे तो ये एज तो खत्म होगी ना, तो ये एज तो जरूर आएगी इधर। क्लियर? पर जब ये सिंगल होगी तो फिर शो करना जरूरी नहीं होगा ना यार? देखें बेसिक उसूल है कि जो एज दरमियान में आ रहा है वो एज आपने रिप्रेजेंट करना है। सर जब हम इसकी सेकनिंग कर लेते हैं तो फिर ये तो शो नहीं हो सकता ना? क्या नहीं हो सकता सर? दिखाई तो नहीं होगा इसका, तो एक ही पीस दिखाई नहीं सकतेगा यार। इधर देखो ये मैंने ड्रा किया है ना, ये इस तरह ड्रा किया है ना, ये पहले ये बन रहा था ये वाला पार्ट, ठीक है ना? अब आप उसके लिए जो लाइन ड्रा करोगे वो इसी के ऊपर ड्रा करोगे, तो क्यों ड्रा कर रहे हो? बस आप इधर से डायरेक्ट इसको दो इस तरह और इसको भी आप रिप्रेजेंट करो, इसमें क्या मुश्किल बात है? नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि ये पीस तो अगर एक है तो इसको सर जो आपने पहले अलग बनाया इसको फिर अलग से काट लिया तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना? ये असल में है एक ही पार्ट, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 1-2 लिखा हुआ है कि ये पहले आप ये बनाएं ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये दूसरा पोर्शन, अदरवाइज ये दोनों एक ही पार्ट है। ठीक है सर, ठीक है। फिर एक बात पूछूं? यस सर। सर ये जो हम सेक्शनिंग करेंगे अभी तो वो तो अभी तो हम लोग एंगल लेके तो नहीं कर सकते ना, तो वैसे कर दें अभी ना? किस तरह एंगल लेकर?
अभी जैसे आपने कहा कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और एक स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग ये सेक्शनिंग करेंगे, हाँ तो अभी लाइक हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी तो हम लोग खुद को जाकर चीजें नहीं है प्रैक्टिस में, ये नहीं है। लेकिन आप असाइनमेंट में एक और चीज याद रखें, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑटोकैड पे जाएंगे या फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोई या सॉलिड वर्क्स पे आप इसको बनाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको हाथ से नहीं बनानी पड़ेंगी, वहां पे आपको कमांड्स होंगी कि ये सेक्शनल सेक्शनिंग व्यू का कमांड है। अब अगर आप उसमें सेक्शनिंग सेक्शन लाइन की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें एक टैब होगा कि इसकी स्टाइल को चेंज करो, इस लाइन के एंगल को चेंज करो, तो आपके पास वो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि ये टैब मुझे मुझसे क्या मांग रहा है। तो वो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो उस टैब में आप वो चीज इंटर करेंगी ना, ठीक है ना। नहीं मैं ये कह रही हूं कि अभी प्रैक्टिस के टाइम तो हम लोग खुद से कर सकते हैं ना, कि जब असाइनमेंट में ठीक प्रैक्टिस में कुछ नहीं रिक्वायर्ड, जब आप एक्चुअल बनाएंगे तो आपने फिर ठीक तरीके से बनाना है। यस सर ठीक है जी। और बच्चे का भी क्वेश्चन था जी, पूछे सर ये इंक्लाइन लाइन जो है आई थिंक ये सॉलिड नहीं करते सर। इंक्लाइन लाइन की तो अभी मैंने बात नहीं की सर, इसमें जो ये एंगल गिवन है सर किसमें किसमें आप प्रेजेंट करो तो मुझे बताओ आप किस स्लाइड की बात कर रहे हो, किस जगह की बात कर रहे हो, वो क्लियर करो तो मैं आपको बताऊं ना। फैसल फैसल जी जी सर, सर वो पिक्चर आप दिखाया सर जरा, कौन सी वाली पिक्चर जो अभी हमने बना सर? हाँ। ये वाला सर, हाँ ये ऊपर से जो नीचे आया हुआ ये 12 उसके फ्रंट पे लिखा हुआ है सर, हाँ ये वाली लाइन, ये वाले पोर्शन आ सर ये सॉलिड नहीं सर, ये सॉलिड ठीक है सर, ये सॉलिड की है ना इधर, ये सॉलिड की है ना, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, ये सॉलिड है ना, ये प्लेट सर आई थिंक ये सॉलिड नहीं करते सर। क्यों सर उधर आपने जो वीडियो देखा था सर आई थिंक उसमें ये कहा था कि ये इसको सॉलिड नहीं करते। नहीं यार वो चीजें बोल्ड नट वो चीजें सेक्शन नहीं, वो अगर इसके आगे से सेक्शन किया होता तब ना दिखाते। हाँ अगर वो ये इधर होता बच्चे, इधर होता इधर तो फिर ये देखें ये लाइन इससे इधर है तो यहाँ पे ये फीचर नहीं आ रहा था, वो नहीं करते, ये जो अभी आपके दोस्त ने बताया एग्जैक्टली यही आंसर है। अच्छा ठीक है सर क्लियर। यस सर। अच्छा अब हम आते हैं इसी की फिगर में एक और चीज ड्रा करते हैं, उसको आप ड्रा करें थोड़ा मुझे बताएं एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूं एक मिनट जी, अगर पकार दे प्लग, एक मिनट होल्ड करें। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूं, फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रोक इरेज, जितना आप सब्र तहमुल से सुनेंगे मुझे और फिर मैं आपको सुनूंगा तो आपकी लर्निंग बेहतर होती जाएगी, ठीक है ना। सो थोड़ा मुझे टाइम दे, फिर जब आपका टाइम आएगा मैं आपको टाइम दूंगा, आप पूछिए मुझसे। अच्छा अब हम आते हैं इसकी तरफ, एक दूसरे उसको देखते हैं, फिर हम थोड़ी फिगर नेट से भी देखेंगे लेकिन फिर आपको मैं बताऊंगा। लेट से यहां से अब आपको दिया हुआ है, इसकी ड्रॉ करें जरा, ये लेट से आपके पास डी डी है, ये ड्रॉ करें, समझ आ रही है इसकी आपको मैंने क्या क्या मांगा है आपसे? यस सर यस सही है सर, आपको ड्रॉ करके बताते हैं, इसको ड्रॉ करके बताएं मुझे, शाबाश। आप लोग को समझ आ रही है, मुझे इस बात की खुशी है। रफली बनाएं, फुट से इसको अभी ना बनाएं कि इतनी हाइट है, आप इसको रफली अंदाजतन बनाएं और मुझे फिर दिखाएं, और जितना जल्दी आप बनाते हैं तो ये आप शो कट रही है जी,
हेलो जी जी आवाज कट रही है सर। अच्छा आवाज कट रही है, इंटरनेट इशू तो नहीं है? इंटरनेट भी कनेक्ट है सर, मैंने बना दिया। अच्छा आपने बना दिया है, तो सबर करें थोड़ा, ये मैं अगर उधर इस स्लाइड से हटूंगा तो फिर आपको विजिबल नहीं होगा, तो एक मिनट दें इनको ताकि कोई बना ले। या अदरवाइज तरीका ये है कि मैं ये इधर रफली बना देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये स्टार्ट होता है यहां से, इसकी बेस से, तो ये बेस टोटल कितनी है, 18, 12 और 12, 42। तो आप इसी तरह लीजिए, 42 से एक लाइन लगाएं, ठीक। फिर इसकी ये थिकनेस कितनी है, ये 12 है, ये बंद हो गया। इसके बाद आप इसने ऊपर कितना जाना है, इधर 12 तक जाना है, 27 जाना है इधर भी और 27 वर्टिकली इधर भी जाना है, ठीक है ना। अब ये इसका रेडियस है 21, तो आप इस पॉइंट की मिड पॉइंट पे रखें, मिड पॉइंट पे इतना इसको ओपन करें और आर्क लगाएं। मैं तो एग्जैक्टली रफ बना रहा हूं, मेरे पास ना प्रकार है ना कुछ है, लेकिन कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। सर ये बीच में लाइन नहीं आएगी? सबर करो ना यार, थोड़ा सबर करो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैंने अभी फुल नहीं बनाया ना। लेकिन फिर अगेन मैं कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि आप लोग को समझ आ रही है, ठीक है ना। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो मुझे स्क्रीन में तो नजर नहीं आ रहा कि किसने ये कहा है, लेकिन जिसने भी कहा है तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें ये लाइन नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि ये सारा का सारा फिल्ड होगा, ठीक है ना। यस सर। तो ये होगा सेक्शन डीडी। अच्छा आपने इसके साथ इसकी डायमेंशंस भी देनी होगी, ठीक है ना, कि यहां से यहां तक ये टोटल कितना है। तो ये देखें, ये 12 और जमा 27 39, ठीक है ना। इसका लेट से ये रेडियस है, तो ये रेडियस कितना है, ये 21 है, आर 21 है, ठीक है ना। बाकी तो इसमें और किसी डायमेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा ये विड्थ कितनी है, ये टोटल की टोटल 48 है। तो ये आपका सेक्शनल व्यू हो गया, सेक्शन डी डी। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी पूछे क्वेश्चन पूछे सर। हाउ टू टेक द रेडियस? क्या चीज? रेडियस सर, रेडियस। एक मिनट होल्ड करें, फैकल्टी मेंबर से बात करनी है। सो इट्स नॉट 48, इट्स 42। अच्छा ये क्लियर है आपको? यस सर। नीचे लेंथ सर इसकी 42 होगी। हाँ ना यार बच्चे, आप देखें इधर, देखें ये कितनी है, ये 12 ये है, 24 प्लस 18 42 और 12, ये 12 जो है ना, ये क्योंकि अगर इसको मैं हाफ कर दूं तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो ये 12 अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पे भी है, क्लियर? नहीं सर, टोटल 42 नहीं हो जाएगी? 42 yes, है ना, 42 नहीं, 48 मैंने लिखा है, गलत लिखा है, ये 42 है। यस सर, सर आपने 48। हाँ बस वो कंफ्यूज जल्दी में इस तरह हो जाता है, तो ये 48 नहीं है, ये 42 है, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा Any question again? सर ये हाइट 39 किस तरह है? अच्छा ये हाइट 39 किस तरह है, तो ये देखें, चूंकि ये आपको नजर आ रहा है ये टोटल 60 है यहां से यहां तक, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है कि ये इसका रेडियस यहां से यहां तक 21 है, तो आप 60 से 21 निकाल लें तो ये 39 बचता है, एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये 12 है, 12 और 12 के साथ ये हाइट है 27, तो इन दोनों को जमा करें तो ये 39 बनता है, क्लियर। हाँ आप ये एक डायमेंशन आपने ये भी देनी है कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 60, क्लियर? यस सर।
कोई क्वेश्चन, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो? ऊपर वाले राउंड शेप मर्जी है, जैसा मर्जी की राउंड शेप दें। नहीं नहीं, मर्जी का क्या मतलब? जब आप ये, आपके पास ये इस तरह की फिगर बन जाती है इतनी, तो आप इसका सेंटर पॉइंट ये है ना, इस पॉइंट पे रखें, ये कितना रेडियस दिया हुआ है R21, तो आपने प्रकार को 21, अगर ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में ले, सेंटीमीटर है तो लेकिन सेंटीमीटर में ये काफी बड़ा बनेगा फिगर, तो इसको 21 ओपन करें प्रकार को, और इसके सेंटर, ये सेंटर पॉइंट रहने दे और एक आर्क बनाए, तो वो आर्क एग्जैक्टली यही चीज बनेगी, ये जो इधर बन रही है। यस सर। खुद से बनाने का क्या मतलब, आपको ड्राइंग में ये चीजें दी हुई है ना, क्लियर? ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? बच्चे पूछें, जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे ना उतनी आपको समझ आती जाएगी। सर जी, सर इस डायग्राम को मुझे समझ नहीं है सर, मैंने ये बनाया, ये इस तरह नहीं बन सकता, एक मिनट दिखाएं मुझे, एक मिनट सर। सर इस तरह ये जो 12 वाला लाइन सर आपने नहीं बनाया सर, ये गलत है, ठीक है? कौन सा, मुझे आपकी फिगर नजर नहीं आ रही बच्चे। सर अभी आ रही है ये वाली, एक मिनट, नहीं आ रही, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग माय स्लाइड्स, ठीक है, ताकि आपकी स्लाइड मुझे बेहतर नजर आए, एक मिनट सबर करें, ठीक है ना, एक मिनट, लेआउट में चेंज करता हूँ। सर जी ये नीचे वाले हैं। एक मिनट सबर करें ना बच्चे, आपको मैंने क्या है, आप प्रेजेंट करें, प्रेजेंट कर सकते हैं आप, सर ये फिगर नजर नहीं आ रही मुझे आपकी यार, सर अभी आ रही है, एक मिनट सबर करें, वेट अ मिनट, आ रही है पर बहुत छोटी छोटी आ रही है, अब आप प्रेजेंट करो, अभी आप प्रेजेंट करो, एक मिनट सबर करें, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं ताकि आपको इसकी फिगर भी नजर आए, एक मिनट सबर करें, ठीक है ना, लेट मी चेंज वेयर इज द ऑप्शन ऑफ प्रेजेंटिंग, एक मिनट, आइए योर इंटायर स्क्रीन, हाँ अब आप सलीम अपनी प्रेजेंट करें यार, क्यों आप सलीम, ये सर सर आप नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही ना यार, मसला यही है, अच्छा पिन करूं, अच्छा ये ले पिन कर दी, हाँ अब आप करें दिखाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक यू आपने बताया, पिन करें जी सलीम। सर ये जो सर टेप वाला लाइन है ना, इसका डायमीटर सर वो जर दरमियान में जाए, पीछे करें थोड़े फिगर को, क्या फिगर को पीछे कर, पीछे करें कॉपी को, पीछे करें कैमरे से थोड़ी थोड़ा, और थोड़ा अपने लेफ्ट की तरफ करें, और भी थोड़ा पीछे करें। सर ये जो नीचे वाली, कौन सी नीचे वाली, आप उंगली से बताएं मुझे, एक मिनट सर, सर ये लाइन जो है ना दरमियान में, दरमियान वाली लाइन नहीं आएगी बच्चे, ये दरमियान वाली क्यों नहीं आएगी ये मैं अभी बताता हूँ, अब आप छोड़ दें, अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपकी बात की समझ आ गई। ये सर। अच्छा वापस जाते हैं उसकी तरफ, स्लाइड की तरफ, ये कहाँ से व्यू कहाँ चला गया, अच्छा इधर देखें इस फिगर को, तो ये मैंने इधर से काटी, लेकिन ये जो दरमियान वाला ये पोर्शन है ना, ये इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना, आपने इसको यहां से स्लाइस किया हुआ, इसलिए ये दरमियान में ये लाइनें नहीं आएंगी, ये जो कह रहा था बेसिकली ये कह रहा था कि यहां पे दरमियान में ये वाली लाइन भी आनी चाहिए और ये नहीं आएंगी, ठीक है ना सर, फिर सर। अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई फिर दोबारा इसको देखना चाहते हैं तो वो देख सकता है, ठीक है ना, गुड हो गया सर। हाँ जी सर, अभी आपने जो बताया ना कि रेडियस मिलीमीटर मिले थे सर, तो क्या ये उधर मेंशन होता है? नहीं, नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर तो आपको इस तरह की फिगर दी हो तो एक तो सबसे पहले आप देखें कि आप इसको देखें, अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसको इंच में भी ले सकते हैं, इसको मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन अब आपके पास A4 साइज का पेपर है, A4 का पेपर है, ठीक है ना,
अगर आप इसको इंच में लेते हैं 12 इंच या इसकी मैक्सिमम हाइट 60 इंच है, तो ये आप उस A4 पेज पे ड्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आपका इंच वाला ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कहा गया कि इंच में बनाएं, देन यू हैव टू ड्रा अकॉर्डिंग टू इंच, बस, बट उसके लिए आपके पास बड़ा पेपर होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि A4 साइज का पेपर है, इंच वाला ऑप्शन आप नहीं यूज कर सकते, तो सो इंच वाले ना यूज करें। अब आप आते हैं सेंटीमीटर पे, तो सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है लेट्स से, तो 60 सेंटीमीटर आप फुट रखें A4 साइज पे, कि उसकी हाइट उसमें एडजस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती तो बेहतर है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऑप्शन आप कोशिश करें कि आप मिलीमीटर यूज करें, क्योंकि आप मिलीमीटर फुट रखेंगे तो 60 मिलीमीटर इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। सर आपका मतलब है फिगर के मुताबिक स्केल लें? क्या लें? फिगर को देख के स्केल सेलेक्ट करेंगे। ओके, स्केल इज समथिंग एल्स। स्केल ये है कि अगर मैं आपको, चलें इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, अच्छा है, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा इधर सम, एक मिनट मुझे ये क्वेश्चन क्लियर करने दें, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। बच्चे आप लोग, आपका जो भी क्वेश्चन है नोट कर ले, मुझे इसके इसका आंसर दे लेने दे, इसने क्वेश्चन अच्छा किया, मैं इसका आंसर देना चाहता हूं, ठीक है ना। अब आपको ये फिगर दी हुई है और आपको कहा गया है कि इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाएं, तो एक तरीका हमेशा कोशिश करें कि आप 1:1 स्केल पे बनाए, ठीक है। 1:1 स्केल में ये होता है कि जो डायमेंशन यहां पे दी होती है उसी के मुताबिक आप बनाते हैं, ठीक है ना। और उसूलन फिगर के साथ ये लिखा गया होगा कि ऑल द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, तो ये आप 66 मिलीमीटर लें, ये 12 लें, इस तरह ड्रा करें, एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। और अगर आपको लेट से मेंशन नहीं है कि ये मिलीमीटर है कि क्या है, तो आप इसको चाहे जिस पे भी बनाएं, इसका ये मतलब नहीं है हरगिज के 66 आप सेंटीमीटर लेते हैं तो भी लें, लेकिन आपने जब लाइन ड्रॉ करनी है तो एक्चुअल 66 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। लेकिन 66 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना इतनी लंबी, वो पेज पे अगर नहीं आती तो आप इसको फिर 66 मिलीमीटर लें, लेकिन आपने अब ड्रॉ करनी लाइन 66 मिलीमीटर ही है। यहां तक समझ आ गई? यस सर। तो हमेशा याद रखें कि यहाँ पे जो डायमेंशन दी होती है, पहले तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये डायमेंशन क्या है, इंच है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। अगर नहीं है तो आप अज्यूम करें, और मेरा मशवरा ये है कि आप मिलीमीटर से यूज करें, मिलीमीटर ही यूज करें। तो ये जो 12 डिस्टेंस है, ये 12 फुट पे आपने 12 मिलीमीटर ही लेना है। 12 मिलीमीटर असल में होता है, 12 मिलीमीटर फुट पे 1.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप 1.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं या 12 मिलीमीटर की लाइन लगाते हैं, वो सेम लेंथ की होगी। क्लियर? ओके सर। मेरा दूसरा जो पार्ट का आंसर मैं जो देना चाहता हूं वो है स्केल के बारे में। आपने अभी एक क्वेश्चन किया स्केल के बारे में। अगर आपको यही फिगर दी गई हो और आपको कहा गया हो कि इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाए यूजिंग स्केल 2:1, क्लियर? ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लेट से ये 66 मिलीमीटर की जो लाइन, ये लाइन है ना, ये 66 वाली, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 132। आपने लाइन लगानी है 132 मिलीमीटर की। क्लियर? यस सर। लेकिन आपने इधर लिखना 66 मिलीमीटर है, मिलीमीटर नहीं लिखना, 66 लिखना है। फिर इसी तरह ये वाली लाइन जो है, ये 60 है ना, ये वाली, तो ये आपने 120 की लाइन लगानी है, लेकिन आपने इधर लिखना 120 है। एंड सारे जो सारी जो चीजें हैं, ये जो फीचर्स हैं, वो 2 times बड़ी करके बनानी है, ठीक है ना। ठीक है सर। जब आप फिगर बना लें उसके नीचे आप ये लिखें 2:1, तो वो जो ड्राइंग चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि ये इस है, तो इसकी डायमेंशन 66 और 60, लेकिन एक्चुअली ये 2 times बिगर बनी है। क्लियर? Yes, तो वो उस वक्त आपने बनानी है कि जब आपको कहा गया हो कि इस फिगर को आप इस स्केल पे बनाएं, 2:1 पे या 1:5 पे बनाएं या जो भी आपको स्केल दिया गया हो,
ठीक है ना, ये वाला प्रोसीजर तब आपने करना है। ठीक है सर, आई होप कि आपको इसका इसकी समझ आ गई होगी। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछे मुस्तफा सर। इसमें हम सपोजिशन ले सकते हैं सर बाजू का, जैसे आप अभी मतलब एक तो आपने बताया रेशो वाला मेथड ना सर, अगर इसमें अगर हम कोई सपोजिशन ले लें ऐसे 10 इंच है लेकिन वो A4 उस पे नहीं आ रहा है या 20 इंच है, तो अगर हम 1 इंच को 5 इंच के बराबर डिनोट कर दें सर, तो वो सपोजिशन क्या है? वो सपोजिशन यही स्केल है ना, कि जैसे लेट से आप कह रहे हो कि मैं दूसरे फिगर पे पेज पे जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जिस तरह आपने कहा था कि लेट से मैं एक आसान फिगर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ जो कि है जिस जो आपको दिया हुआ है, लेट से इस तरह दिया हुआ है कि ये 1000 इंच है, 1000 इंच काफी बड़ी चीज होती है और ये 500 इंच है, ठीक है ना, और इसको आप रिड्यूस करें, आप इसको आप कहते हैं कि इसको आप लेट से एक्चुअल तो ये 1000 है लेकिन आप इसको 10 इंच बनाना चाहते हैं, तो आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 10 इंच आएगा ना। यस सर, तो आप इसको कहते हैं 1:100 मींस कि आप इसको रिड्यूसिंग स्केल पे बना रहे हैं, तो आप यहां तो है 1000 लेकिन जब आप 1000 की इसको आप बनाएंगे 10 इस वैल्यू को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा ना, तो आप ये 10 इंच की लाइन लगाएंगे और लेकिन लिखेंगे यहां पे 1000 इंच, और फिर इसी तरह यहां पे ये लाइन जो लगेगी ये कितने इंच की लगेगी बताए ना, 5 इंच की, लेकिन आप लिखेंगे 500 इंच और इसको आप इस तरह बना लेंगे, ठीक है ना, और इसके नीचे लिख देंगे कि 1:100। अब देखने वाला समझ जाएगा कि एक्चुअल इसकी लेंथ 1000 इंच है लेकिन यहां पे जो है वो 100 times रिड्यूस करके बनाई गई है, ठीक है सर समझ आ गई। तो ये वही चीज है जो स्केल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी, लेकिन अच्छा है आपने दोबारा पूछ लिया, रिवाइज हो जाएगा। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? बस सर काफी है सर। जी काफी है सर आज के लिए। नहीं नहीं बच्चे अभी थोड़ी चीजें रहती हैं, काफी नहीं है ना, देखें टाइम दे, जितना आप टाइम देंगे तो आपके बेनिफिट के लिए, मेरे लिए क्या है, मैं तो बस बंद करके चला जाऊं, ठीक है ना, अपने ऑफिस के और काम कर लूंगा, लेकिन नुकसान तो अल्टीमेटली आपका ही होगा ना, तो थोड़ा टाइम दे, मुझे पता है मुश्किल होता है, मुश्किल मेरे लिए मुश्किल होनी चाहिए कि मैं 1 घंटा और 40 मिनट हो गए कि मैं इतनी तेज चीखे मार रहा हूँ, और हालांकि मुझे स्लो बोलना चाहिए लेकिन ये मेरी नेचुरल आदत है, ठीक है ना, तो गले में मेरा मसला है, ठीक है ना, तो मुझे नहीं मसला, तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्लियर? बिल्कुल सर, हम बैठे हुए सर, हम ले रहे हैं। हाँ ठीक है, तो लेट मी शो यू सम फिगर्स और फिर इसको थोड़ा सेक्शनल व्यूज इन ड्राइंग, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी? आ रही है सर। अच्छा यस सर। अच्छा इसमें कुछ अगर बेहतर फिगर्स मिलती हैं तो देख लेते हैं। सर पेपर में आप फिगर यहाँ से डालते हैं? नहीं नहीं मैं पेपर लैब में पेपर नहीं होता बच्चे, ये तो मैं अवेलेबल हैं तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ना। नहीं सर थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल मुझे नहीं पता, मैंने थ्योरेटिकल कुछ नहीं, ड्राइंग थ्योरेटिकल मैंने नहीं पढ़ाया, वो बुक्स में भी अवेलेबल है, वो इंटरनेट पे भी है, जहां से भी अगर कोई भी टीचर लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हर्ज इसमें है कि आप उसको किस तरह बनाते हैं, अगर आपको समझ है तो आप जो बात है सर। अच्छा मैं थोड़ा दूसरा सर्च करता हूँ यार, सेक्शन वैसे कि आपकी बुक्स में भी है ये चैप्टर, उसमें भी आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू फिगर्स हो जाएं।
अल्टीमेटली ये फिर वही चीजें दे रहा है। सर स्लाइड्स में इतनी खतरनाक खतरनाक डायग्राम आई हुई थी, वो कोई और तरीके से होंगी ये वाली? कौन सी स्लाइड्स में सर? मतलब जो आपने अभी पढ़ाई है स्लाइड्स, उसमें तो मतलब अंदर से तो हमें नहीं पता होता कि नहीं बच्चे, वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप देखें वो जो लेक्चर स्टार्ट होता है उसमें आपको फिगर दिखाई जाती है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या है। वो जस्ट आपको दिखा रहा है कि ये पुली है और जब सेक्शनिंग हो जाती है तो अंदर से वो इस तरह दिखती है, लेकिन आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो अभी इस फिगर को, ये फिगर आपको नजर आ रही है? एक मिनट सबर कर, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूं। ये फिगर नजर आ रही है आपको? ये आ गई है। यस सर। अब इसमें देखें तो ये क्या है, ये सेक्शन वाला, ये क्या है सर? ये सॉकेट है। ये सेक्शन ए है, तो आप कौन सा व्यू लेंगे? साइड व्यू लेंगे इधर से जो व्यू है, ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया होगा, ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशंस होंगी और इस तरह आपने देखना होगा कि कटिंग प्लेन लाइन से क्या है। तो उसकी आप... जी अच्छा देखें, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फॉर्मिंग ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ सीएस सॉकेट, ठीक है ना? सबसे पहला पार्ट क्या है, सेक्शन ए बनाना है, तो आपने सेक्शन ए बनाना है। फिर दूसरा पार्ट क्या है, अ साइड व्यू फ्रॉम बी, जो बी दिया हुआ है उस डायरेक्शन से आपको जो व्यू नजर आ रहा है वो आपने बनाना है। और तीसरा जो है वो टॉप व्यू बनाना है, और ये टॉप व्यू आपने किस तरह बनाना है, ये टॉप व्यू आपने ये सारी की चीज, सारी चीजें 1:1 स्केल पे बनानी है। क्लियर? अच्छा अब आपको बहुत से लड़कों को, मुझे तो नहीं पता इस तरह, लेकिन आप बहुत से लड़कों लड़के जो हैं वो ये साइड है, वेबसाइट है, पता नहीं क्या है, इसमें एग्जाम के सॉल्यूशंस और ये चीजें होती हैं, तो वो ये खरीद लेते हैं, ठीक है ना? और वही ना सर, कितनी बुरी बात है, नाइंसाफी होती है सबके साथ जी, बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है सर। क्या चीज होती है सर? मतलब जो नहीं खरीदते उनके साथ फिर वो मसला होता है। हाँ तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसको खरीदें या जो भी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब आपको अगर समझ है तो इस फिगर को, अगर ये सेव होता है, ये फिगर मैं सेव कर रहा हूं, किस में इसको मैं सेव करता हूं, ड्राइंग लैब और स्प्रिंग, यहां पे मैं सेक्शनल व्यू, ठीक है ना, इसके नाम से मैं सेव करता हूं, ठीक है ना? अब आपने इस फिगर को इसका सेक्शनल व्यू बनाना है, ठीक है ना? नीट ये मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना? सही है सर। ओके सर, हमारी अभी तक दो असाइनमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना? क्लियर? मैं असाइनमेंट नंबर 3 और 4 पोस्ट करूंगा। असाइनमेंट नंबर 3 में क्या होगा, असाइनमेंट नंबर 3 में अगर आप बुक को ओपन करें तो इस तरह की कुछ 2-3 फिगर्स होंगी, नजर आ रही है आपको? यस सर। इस तरह की फिगर्स होंगी और उसके आपने क्या करने हैं, मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आ जाए, इसके आपने ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने हैं और उसमें डिफाइन होगा कि यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर? ओके सर। तो ये असाइनमेंट आपकी 3 हो जाएगी और असाइनमेंट नंबर 4 आपकी हो जाएगी सेक्शनल व्यू के हवाले से। सर आप उस टाइम पे बताएंगे ना कौन सी फिगर्स हैं? हाँ वो आपकी गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट दी होगी उसमें जो भी सेक्शनल व्यू होगा, अगर ये क्वेश्चन हो या कोई और हो तो क्वेश्चन होगा पूरा इस तरह होगा। गुड हो गया सर। एनी अदर क्वेश्चन? तो अब मुझे ये बताएं आपने आज क्या क्या सीखा? सर आज सेक्शनल व्यू के बारे में सीखा है, थोड़ा बहुत ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बारे में सीखा है, और ये भी सीखा कि सेक्शनल व्यू में कौन कौन सी चीजें लानी और कौन कौन सी चीजें नहीं लानी। गुड। एनी अदर पर्सन? मुराद? सेक्शनल व्यू सीखी। हाँ
आप सेक्शनिंग और फुल सेक्शनिंग इस तरह ये टॉपिक सीख गए सर। अच्छा, जब आपको फुल सेक्शनिंग की समझ है, बाकी सेक्शंस आप खुद बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना? जी सर। सर ये सेक्शंस की टाइप में ये रोटेटेड सेक्शन और रिमूव्ड सेक्शन, सर इसकी डिफरेंस जरा बता दे सर। क्या बता दूं सर, ये रोटेटेड सेक्शन और रिमूव्ड सेक्शन के बीच में जो डिफरेंस है सर, वो रोटेटेड सेक्शन और मुराद इसको बताओ। ये मैंने आपने अभी लास्ट में ज्वाइन किया होगा शायद, ये मैं दो दफा इस लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, आप इसमें दोबारा इसको देख लें। लेकिन मुराद रिकॉर्डिंग में है ना, जो पहली वाली रिकॉर्डिंग है उसके अंदर है, पहली वाली में भी है और आज की रिकॉर्डिंग में भी सारी ये दोबारा डिटेल से बताई गई है। मुराद आप इसको आंसर करो। सर ये इसमें रोटेटेड में ऐसा होता है कि जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो जो पार्ट होती है उसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं और उसी जो ऑब्जेक्ट होती है उसके ऊपर ही उसको करते हैं सेक्शनिंग। और ये जो ये रिमूविंग है तो उससे जो पार्ट हम सेक्शनिंग करते हैं उससे रिमूव करते हैं और अलग ही 90 डिग्री पे उसको रोटेट करते हैं तो अलग ही उसको ड्रा करते हैं। एग्जैक्टली, गुड, एक्सीलेंट। और जलाल अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड को दोबारा देखें या जो है वो जो प्रीवियस लेक्चर है वो रिकॉर्डेड दोबारा देखें। क्लियर? यस सर, प्रीवियस मैंने देखा है लेकिन उसमें समझ नहीं आई, अभी ये पे देखूंगा। ठीक है, गुड, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन सर? वैसे ही पूछ रहा सर, असाइनमेंट वगैरह या पेपर वगैरह में ये इन चीजों के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने चाहिए या नहीं? नहीं 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 नहीं, अगर आपसे टीचर मांगता है कि लिखें तो अदरवाइज। अच्छा ये याद रखें, स्टेप्स और ये चीजें लिखना टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है ना? यस सर, पेपर में होता है। आपको जो जो असाइनमेंट्स हैं या उसमें आपके पास जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है ये एग्जाम में, तो अगर आपसे मांगा गया है ठीक है, अगर नहीं मांगा गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप फिगर बनाते हैं उस पर आपका काफी टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना? तो चूंकि लैब में पेपर नहीं है तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ और असाइनमेंट आप करते हैं और उससे आपकी जजमेंट होती है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं। होल्ड करें। अच्छा जी पूछे सर, ने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये असाइनमेंट जो आपने उस दिन दिया था उसमें भी लिखे और किस में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया था सर? किस असाइनमेंट आपने लैब रिपोर्ट में? हेक्सागोनल नट वाला सर, उसमें तो मैंने आपसे स्टेप्स नहीं मांगे सर। हमने तो वैसे सर हमने तो समझा हुआ कि पेपर में भी है या जो भी है लाजमी लिखना है, मांगा हो या नहीं। नहीं लिखे सर, मैंने नहीं लिखे स्टेप सर उसमें। यार अगर जिसने लिख दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने तो उसमें नहीं मांगे। वही ना सर, आपने मांगी नहीं, जो आपने चीज मांगी है मैंने से वो प्रोवाइड की है। ठीक है, सही है, चलें बस सही है सर, आगे नहीं। सर फिर तो लैब रिपोर्ट में भी छोड़ देते हैं। लैब रिपोर्ट में भी मैंने आपसे नहीं मांगी, लेकिन मैंने कहा है कि अगर किसी ने लिखा है तो वो और भी अच्छा है, लेकिन लैब रिपोर्ट में आपके पास ये नहीं है कि आप एग्जाम के लिए बैठे हुए, लैब रिपोर्ट के लिए आपको मैंने 2 महीने दिए हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ तो इसको भी देखें, एग्जाम तो 1-2 घंटे 3 घंटे का होता है, उसमें टाइम कम होता है, ठीक है ना? लेकिन ये तो 2 महीने दिए हुए हैं तो इसमें अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है सर। असाइनमेंट में नहीं लिखते, लैब रिपोर्ट में लिख देंगे। जिसमें देखें, जो आपकी मर्जी आती है वो आप करें, जिसके पास समय है और वो करना चाहता है तो उस पे भी पाबंदी नहीं है, और जो नहीं स्टेप्स नहीं लिखना चाहता उस पे भी कोई पाबंदी। मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना सर? नहीं नहीं नहीं, लेकिन जिसने किया है तो उसको फुल उसकी और कटने के गुंजाइश नहीं होंगे, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा फारी किया है सर। ये फार्मूला थ्योरी में भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ थ्योरी में भी यही चीज कर सकते हैं कि मर्जी है पेपर में लिखें या ना लिखें, क्योंकि थ्योरी के सार कोई और है। मुझे थ्योरी का बच्चे थ्योरी का नहीं पता। ओके ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन वी विल डिस्कस दिस थिंग। ओके यस, थैंक यू।